कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टॉप एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें हम क्या करा रहे हैं, आपको संपूर्ण सीजीपीएससी प्रारंभिक पाठ्यक्रम की तैयारी करा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आपको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास में जो प्रमुख वंश थे, जैसे बाण वंश, कवर्धा का फड़ी नाग वंश, इन सब के विषय में क्या किया गया था, एक विस्तृत अध्ययन कराया गया था। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए आज का हमारा अगला टॉपिक है कलचुरी वंश। चूंकि आपको पता है कि कलचुरी क्या है, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है, और पूरे मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपको केवल और केवल एक देखा जाए तो पूरे दक्षिण कोसल में सिर्फ कलचुरी वंश ही पढ़ना है। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले आज हम थोड़ा इसके बेसिक्स पर चर्चा पहले करेंगे, फिर कलचुरी वंश को पढ़ना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले हम अपना एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कलचुरी शासक वामन देवराज के विषय में असत्य कथन पहचानिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको? कलचुरी शासक वामन देवराज के विषय में असत्य कथन पहचानने बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, इन्होंने कालिंजर पर, ठीक, किस पर? कालिंजर पर विजय प्राप्त की। दूसरा, त्रिपुरी नगर की स्थापना की। तीसरा, त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा कथन जो है वह असत्य है, यह हमको जानना है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा कलचुरी के प्रारंभिक इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कलचुरियों का जो प्रारंभिक इतिहास है, कलचुरी वंश, ये जो कलचुरी वंश है, इसके प्रारंभिक इतिहास की अगर हम बात करें तो आप जानिएगा कि एक साथ में जो कलचुरी वंश है, इनका समय है 550 से 1741। ठीक है, कब? तो 550 से 1741 तक जो कलचुरी वंश है वो पूरे भारत के किसी न किसी क्षेत्र में क्या करता रहा है, शासन करता रहा है। ठीक है, कब से कब तक? तो 550 से 1741 ईस्वी तक जो कलचुरी वंश है वो क्या करता रहा है, किसी न किसी क्षेत्र में भारत के वह अपना राज्य स्थापित रखा था, वहां पर वो शासन कर रहा था। ये बात अभी छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने 550 ईस्वी से शासन शुरू कर दिया था, ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो महिष्मति क्षेत्र था उसकी बात है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जो कलचुरी वंश है इनका आदि पुरुष, ठीक, कलचुरी वंश का आदि पुरुष माना जाता है कृष्णराज को। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो कृष्णराज को कलचुरी वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो कलचुरी वंश का आदि पुरुष कृष्णराज को कहा जाता है। कलचुरियों की जो राजधानी है प्रारंभिक रूप से, आने वाले समय में अभी हम देखेंगे कि अलग अलग समय पर अलग अलग कलचुरियों की राजधानी रही, लेकिन जो सबसे प्रारंभिक राजधानी रही है वह थी माहिष्मति। ठीक है, क्या था? तो माहिष्मति, महेश्वर मध्य प्रदेश, माहिष्मति महेश्वर मध्य प्रदेश। ठीक है, राजधानी क्या रही है? माहिष्मति, माहिष्मति साम्राज्यम, अस्वागम अजेयम। ठीक है, चलो जल्दी गाना गाकर सुनाओ। तो बाहुबली का वो सबसे प्रचलित सॉन्ग आप सभी ने देखा ही होगा, बाहुबली। ठीक, तो आप जब महाजनपद पढ़ेंगे तो महाजनपद के अंतर्गत आप देखेंगे उज्जैनी, उज्जैनी महाजनपद। ठीक है, उसके अंतर्गत उत्तरी उज्जैनी और दक्षिणी उज्जैनी। तो जो दक्षिणी उज्जैनी थी उसकी ही राजधानी क्या रहती है? माहिष्मति रहती है। ठीक है, इसमें आगे अगर हम देखें
तो आप पाएंगे कि ये जो वंश है, ठीक है, जो कलचुरी वंश है, ये चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश है। ठीक है, कौन सा वंश है? तो चंद्रवंशी क्षत्रिय है। ठीक, इनका वंश क्या है? चंद्रवंशी क्षत्रिय है। साथ ही ये अपने पूर्वज, ये अपने पूर्वज सहस्त्रबाहु अर्जुन को मानते हैं। ठीक है, किसे मानते हैं? तो सहस्त्रबाहु अर्जुन को अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, किसको अपना पूर्वज मानते हैं? तो सहस्त्रबाहु अर्जुन को अपना पूर्वज मानते हैं। साथ ही ये जो वंश है, इनके विषय में पूछा जाता है कि इन्होंने कौन से संवत का प्रयोग किया। तो जो कलचुरी वंश है, इन्होंने त्रैकुटक संवत का प्रयोग किया था। ठीक है, कौन से संवत का प्रयोग किया था? तो त्रैकुटक संवत का प्रयोग किया था। जो कलचुरी वंश है, इनके अन्य नाम, कलचुरी वंश का अन्य नाम, तो इसे है वंश, कटछुरी, कलसुरी, कलकुटी और कलचूर्य जैसे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, है वंश, कटछुरी, कलसुरी, कलकुटी, कलचूर्य, ये सारे क्या हैं? इसके अन्य नाम है। समझ में आ रहा है आपको? ये सारे क्या हैं? तो ये सारे इसके अन्य नाम हैं। क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है बातें? ठीक है, और इसके संबंध में कुछ और चीजें हैं, जैसे प्रारंभिक कलचुरी वंश देखें, और प्रारंभिक कलचुरी वंश का अगर हम लोग राजवंश देखें, तो इसके संबंध में हमको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रारंभिक कलचुरी वंश के अंतर्गत इसका राजवंश देखें, तो सबसे पहले इसमें इसके आदि पुरुष के रूप में आप किसे देख रहे हैं? तो कृष्ण राज को देख रहे हैं। ठीक है, कृष्ण राज के उपरांत, ठीक है, जो शासक आते हैं उनका नाम रहता है शंकरगढ़ प्रथम। ठीक है, क्या नाम रहता है? शंकरगढ़ प्रथम। और शंकरगढ़ प्रथम के उपरांत एक शासक आते हैं जिनका नाम रहता है बुद्धराज। ठीक है, क्या नाम रहता है? बुद्धराज। कृष्णराज के उपरांत कौन? तो शंकरगढ़ प्रथम के उपरांत कौन? तो बुद्धराज। और ये जो बुद्धराज हैं, इनके समय 620 ईस्वी में चालुक्यों का आक्रमण होता है। किनके ऊपर? तो कलचुरियों के ऊपर। ठीक है, किसका आक्रमण होता है? चालुक्यों का आक्रमण। और इस आक्रमण में जो बुद्धराज रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। ठीक है, बुद्धराज रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। और पराजय के उपरांत जो बुद्धराज हैं वो क्या करते हैं? पराजित हो गए। और पराजित होते हैं फिर धीरे धीरे जो कलचुरी वंश है वो क्या होने लगता है? छीण होने लगता है, और छीण होकर अपने पतन की कगार पर पहुंच जाता है। इसीलिए इस पराजय के उपरांत लगभग 200 वर्षों तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती हमको। 200 वर्षों तक जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। किसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती? तो कलचुरी वंश के समय संबंध में हमको बुद्धराज जब पराजित हो जाते हैं 620 ईस्वी में चालुक्यों से, उसके उपरांत 200 वर्षों तक कलचुरी वंश के बारे में हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, ये पहला 200 वर्ष है। अभी जब छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना हो जाएगी, तब हम एक और देखेंगे कि लगभग 200 वर्षों का क्या रहता है? अंतराल रहता है, जिसे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का अंधकार युग भी कहा जाता है। पहला आप कहां ध्यान रखेंगे? बुद्धराज। अब बुद्धराज के बाद ये जो 200 वर्षों की जानकारी नहीं है, तो 200 वर्षों बाद एक राजा का नाम आता है जिनका नाम है वामन देव। ठीक है, क्या नाम रहता है? वामन देव। और वामन देव उपरांत कोक्कल प्रथम। कोक्कल प्रथम। ठीक, अब ये जो वामन देव आ गए, सबसे पहले क्वेश्चन में देखे थे हमने वामन देव को, अब वामन देव के बारे में क्या कर लेते हैं? हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? सबसे पहले वामन देवराज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसे पढ़ लेते हैं? तो वामन देवराज को पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, किसे?
तो वामन देव राजगुरु, वामन देवराज, वामन देवराज के बारे में सबसे पहला कथन आप ध्यान रखना कि वामन देवराज को कलचुरी वंश का प्रथम प्रतापी राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम प्रतापी राजा कहा जाता है। ठीक, कलचुरी वंश का प्रथम प्रतापी राजा किसे कहा जाता है? तो वामन देवराज को कलचुरी वंश का प्रथम प्रतापी राजा कहा जाता है। जो वामन देवराज है इनकी जानकारी, वामन देवराज की जानकारी हमको प्राप्त होती है कालंजर शिलालेख में। ठीक है, किसमें प्राप्त होता है? तो कालंजर शिलालेख में हमें वामन देवराज की क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। अब क्या जानकारी प्राप्त होती है हमको कालंजर शिलालेख में? तो इस शिलालेख में कहा गया है कि वामन देवराज ने कालंजर पर विजय प्राप्त की थी, कालंजर पर विजय प्राप्त की, कालंजर पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जो वामन देवराज थे इन्होंने कालंजर को अपनी राजधानी बनाया, कालंजर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, साथ ही वामन देवराज ने जबलपुर से, वर्तमान जो जबलपुर है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, इस जबलपुर से 6 किलोमीटर दूर एक नए शहर की स्थापना की जिसका नाम है त्रिपुरी। ठीक है, कौन से शहर की स्थापना की? तो त्रिपुरी शहर या त्रिपुरी नगर की स्थापना की। त्रिपुरी नगर की क्या की इन्होंने? तो त्रिपुरी नगर की इन्होंने स्थापना की। क्लियर है? अब त्रिपुरी नगर की स्थापना की और साथ ही त्रिपुरी को अपनी दूसरी राजधानी का दर्जा दिया, अपनी दूसरी राजधानी का दर्जा। लेकिन त्रिपुरी को पूर्ण रूप से राजधानी इन्होंने नहीं बनाया था। इन्होंने कहां से शासन किया? तो इन्होंने पूर्णतः कालंजर से ही शासन किया था। सिर्फ दूसरी राजधानी के रूप में किसे मान्यता दी थी? तो इन्होंने त्रिपुरी को मान्यता दी थी। समझ में आ गया आपको यहां तक? अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको? कलचुरी शासक वामन देवराज के विषय में असत्य कथन पहचानने बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कलचुरी शासक वामन देवराज के विषय में असत्य कथन। पहला बोल रहा है इन्होंने कालंजर पर विजय प्राप्त की। पढ़ लिया था आपने, अभी हमने अभी जस्ट पढ़ा कि इन्होंने कालंजर पर विजय प्राप्त की थी। दूसरा, त्रिपुरी नगर की स्थापना की, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। तो मैंने जस्ट अभी बताया आपको कि त्रिपुरी को इन्होंने क्या किया था? दूसरी राजधानी का दर्जा दिया था, लेकिन पूर्णकालिक राजधानी नहीं बनाया था। इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? तो कालंजर को बनाया था। इसलिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जा रहा है आपका? सही हो जा रहा है कि कलचुरी शासक वामन देवराज के विषय में असत्य कथन क्या है? तो त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। तो एक लाइन में अगर आपको पूछे कि त्रिपुरी को क्या उन्होंने राजधानी बनाया था? तो नहीं, उन्होंने क्या किया था? त्रिपुरी को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया था। पूर्ण रूप से राजधानी किसे माना था उन्होंने? तो कालंजर को उन्होंने पूर्णकालिक राजधानी बनाया था। हां, अगर आपको क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ ले कि जो वामन देवराज हैं उन्होंने किसे किसे अपनी राजधानी बनाई थी, मतलब आपको एक से अधिक आंसर अगर चूज करना हो, तब आप क्या करेंगे? त्रिपुरी और कालंजर दोनों को आप आंसर में ले सकते हैं। समझ में आ गया आपको? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। लेकिन अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक चीज है, वामन देवराज के उपरांत जो अगले शासक आते हैं वो रहते हैं कोक्कल प्रथम। ठीक है, कौन रहते हैं? कोक्कल प्रथम। ये जो कोक्कल प्रथम है इनकी जानकारी, कोक्कल प्रथम की जानकारी हमको मिलती है बिल्हारी अभिलेख से। ठीक है, किससे मिलती है? बिल्हारी अभिलेख मध्य प्रदेश से। ठीक, और ये जो कोक्कल प्रथम है इन्होंने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, किसको राजधानी बनाई? तो त्रिपुरी को
अपनी राजधानी बनाई थी? ठीक, जो कोक्कल प्रथम है इनके पुत्र, तो इनके टोटल 18 पुत्र थे। ठीक है, कितने पुत्र थे इनके? तो इनके कुल 18 पुत्र थे। इन 18 पुत्रों को, मतलब जो कोक्कल प्रथम रहते हैं, इनका एक उद्देश्य रहता है कि क्या करेंगे, पूरे मध्य भारत के अंतर्गत कलचुरी वंश का विस्तार करेंगे। ठीक है, इनका क्या लक्ष्य रहता है कि ये पूरे मध्य भारत के अंतर्गत क्या करेंगे, कलचुरी वंश का विस्तार करेंगे, ऐसा क्या रहता है इनका लक्ष्य रहता है। अब इस कार्य में वो क्या करते हैं, अपने इन 18 पुत्रों को लगाते हैं। ठीक, 18 पुत्रों को क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं पर विजय प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। किसी को उत्तर में विजय प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो किसी को दक्षिण में, किसी को पश्चिम में, तो किसी को पूर्व में। अब जो त्रिपुरी है या मध्य प्रदेश है, त्रिपुरी के अंतर्गत जो जबलपुर वाला एरिया है, उसके सापेक्ष पूर्व में क्या था, छत्तीसगढ़ था। ठीक है, इसके सापेक्ष पूर्व में क्या था, छत्तीसगढ़ था। और इस छत्तीसगढ़ पर विजय प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी थी इन्होंने अपने पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय को। ठीक है, किसको जिम्मेदारी सौंपी थी, तो अपने पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय को कहां पर विजय प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, जो कोसल, दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र था, उस पर विजय प्राप्त करने की क्या सौंपी थी इन्होंने, जिम्मेदारी सौंपी थी। तब अब क्या होते हैं, त्रिपुरी के अंतर्गत कौन सा वंश, तो आप बताएंगे कलचुरी वंश। त्रिपुरी के अंतर्गत कौन सा वंश, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के अंतर्गत शासक कौन, तो कोक्कल प्रथम। अब ये जो कोक्कल प्रथम है, इनके पुत्र कौन रहते हैं, शंकरगढ़ द्वितीय। शंकरगढ़ द्वितीय, ठीक, कौन रहते हैं, शंकरगढ़ द्वितीय इनके पुत्र रहते हैं। किनके पुत्र रहते हैं, तो कोक्कल प्रथम के पुत्र रहते हैं। ठीक, और इस समय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन सा वंश, तो बाण वंश शासन कर रहा है। बाण वंश पाली मतलब कोरबा वाले क्षेत्र में। ठीक है, इस बाण वंश के शासक रहते हैं कौन, तो विक्रमादित्य। बाण वंश के शासक कौन, तो विक्रमादित्य। बाण वंश के शासक कौन रहते हैं, विक्रमादित्य रहते हैं। अब क्या होता है, इन दोनों के मध्य युद्ध होगा। ठीक, किनके किनके मध्य युद्ध हो रहे हैं, तो विक्रमादित्य और शंकरगढ़ द्वितीय के मध्य युद्ध हो रहा है। ठीक है, अपने पिता का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त करने के लिए जो कौन है, शंकरगढ़ द्वितीय है, वो कहां पर आक्रमण कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पर आक्रमण। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कहां पर, तो पाली कोरबा वाले क्षेत्र पर क्या कर रहे हैं, वो आक्रमण कर रहे हैं। आक्रमण कर रहे हैं तो पाली के अंतर्गत किस वंश का शासन है, तो बाण वंश का शासन है। ठीक, क्लियर है यहां तक। अब बाण वंश के शासक कौन है, तो विक्रमादित्य है। मैंने कल बोला था आपको कि मैं विक्रमादित्य के बारे में आगे कल चर्चा करूंगा। ठीक है, तो अब विक्रमादित्य और किसके मध्य युद्ध हो रहा है, शंकरगढ़ द्वितीय के मध्य युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में जो विक्रमादित्य है वो क्या होते हैं, पराजित होते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य क्या होते हैं, पराजित हुए। और पराजित होने के उपरांत अब क्या होती है, एक संधि होती है। ठीक, पराजित होने के उपरांत क्या होती है, एक संधि होती है कि ये जो बाण वंश है, ठीक है, कौन सा वंश आपका, बाण वंश, ये क्या करेगा, ये देगा टैक्स। ठीक है, क्या करेगा, ये टैक्स देगा। किसको टैक्स देगा, तो कलचुरियों को, त्रिपुरी के कलचुरियों को क्या करेगा, ये टैक्स देगा। ठीक है, ऐसी शर्त रखते हैं कौन, शंकरगढ़ द्वितीय, जिसको क्या कर लेते हैं, पाली के जो बाणवंशी शासक है विक्रमादित्य, वो इस शर्त को क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है भैया, मैं क्या करूंगा, आपको प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि टैक्स के रूप में, कर के रूप में मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद अपना करद राज्य बना लिया गया, किसको, छत्तीसगढ़ को, किसके द्वारा, शंकरगढ़ द्वितीय के द्वारा। ये वापस लौट जाते हैं, यहां पर रुक कर शासन नहीं करते। कौन शासन नहीं करते, तो शंकरगढ़ द्वितीय यहां पर रुक कर क्या नहीं करते, शासन नहीं करते। समझ में आ गया बात आपको, शंकरगढ़ द्वितीय चले गए और विक्रमादित्य क्या कर रहे हैं, टैक्स भेज रहे हैं। किसको टैक्स भेज रहे हैं, तो ये टैक्स भेज रहे हैं त्रिपुरी के कलचुरियों को। अब इसके उपरांत क्या होता है, ठीक, इसके उपरांत
समय ऐसे चलते रहता है और थोड़े समय बाद जो है त्रिपुरी पर कोक्कल द्वितीय शासन करने बैठते हैं। ठीक है, कौन शासन करने बैठते हैं? तो कोक्कल द्वितीय शासन करने बैठते हैं। अब जिस समय कोक्कल द्वितीय शासन करते रहते हैं उस समय ये जो पाली है आपका, ठीक है, क्या पाली, और पाली के अंतर्गत कौन सा वंश? तो आपका बाण वंश। ठीक, इस पाली के अंतर्गत जो बाण वंश है इस पर कौन आक्रमण करता है? तो दक्षिण कोसल के अंतर्गत एक रहता है सोमवंश। दक्षिण कोसल, और इस दक्षिण कोसल के अंतर्गत कौन रहता है? सोमवंश। और ये जो सोमवंश रहता है ये क्या करता है? पाली पर आक्रमण करके इसे अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, किसे अपने अधीन कर लिया? तो पाली पर आक्रमण करके पाली के बाण वंश को क्या कर लेता है? ये अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, पाली के बाण वंश को क्या कर लेता है? ये अपने अधीन कर लेता है। अब पाली के बाण वंश को जब ये अपने अधीन कर लेता है दक्षिण कोसल का सोम वंश, तो जो पाली का बाण वंश है उसे क्या कहा जाता है? कि अब आप क्या नहीं करेंगे? टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, क्या नहीं करेंगे? आप टैक्स नहीं देंगे। किसको नहीं देंगे टैक्स आप? तो कलचूरियों को। ठीक है, कलचूरियों को क्या नहीं करेंगे आप? टैक्स नहीं देंगे। कहां के कलचूरियों को? तो त्रिपुरी के कलचूरियों को आप क्या नहीं करेंगे? टैक्स नहीं देंगे। ऐसा शर्त हो जाता है किसके मध्य में? दक्षिण कोसल का जो सोम वंश है और पाली का बाण वंश है इसके मध्य में ये क्या हो जाती है? एक शर्त हो जाती है कि अब आप क्या नहीं करेंगे भैया? उनको टैक्स नहीं देंगे, अब क्या करेंगे आप? हमको टैक्स देंगे। ठीक, अब धीरे से क्या होने लगता है? जो पाली का बाण वंश है वो त्रिपुरी टैक्स नहीं भेज रहे हैं। अब जब इस बात की जानकारी मिलती है कोक्कल द्वितीय को, तब कोक्कल द्वितीय क्या करते हैं? अपने पुत्र, ठीक, कोक्कल द्वितीय के पुत्र रहते हैं और पुत्र का नाम रहता है कलिंग राज। ठीक, पुत्र का नाम क्या रहता है? कलिंग राज। इस कलिंग राज को क्या करते हैं? ये भेजते हैं आक्रमण करने कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब यहां पर क्या रहता है? तो अभी हमने देखा कि यहां पर पाली, पाली के अंतर्गत बाण वंश, और इनको अधीन करके कौन बैठे हैं? तो दक्षिण कोसल वाले सोमवंश। ठीक है, इन दोनों एक हैं अभी। अब इन पर कौन आक्रमण कर रहा है? कलिंग राज। कलिंग राज आकर छत्तीसगढ़, यहां पर नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है, कलिंग राज क्या करता है यहां पर? इन पर आक्रमण करता है। ठीक है, किन पर आक्रमण करता है? तो पाली के बाण वंश और दक्षिण कोसल के सोम वंश पर आक्रमण करता है और दोनों को एक साथ पराजित कर देता है। कौन एक साथ पराजित कर देते हैं? तो कलिंग राज जो रहते हैं ये इन दोनों को एक साथ पराजित कर देते हैं। ठीक है, ये जो रहते हैं ये क्या होते हैं? इसमें पराजित होते हैं। और जब पराजित हो जाते हैं तो ये जो कलिंग राज रहते हैं ये अब क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, डायरेक्टली अब क्या करने लगते हैं? ये छत्तीसगढ़ में आकर रूल करने लगते हैं, छत्तीसगढ़ में आकर शासन करने लगते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से कलचूरी वंश की स्थापना करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से कलचूरी वंश की स्थापना, समझ में आ गया क्या करते हैं ये? तो ये छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से कलचूरी वंश की स्थापना करते हैं। अब इनका कथन रहता है, जब मैं पूरा जीत ही चुका हूं दक्षिण कोसल को, तो अब मैं फालतू में इनसे टैक्स क्यों लूं? अब मैं क्या करता हूं? यहीं पर रहता हूं और यहीं पर क्या करता हूं? मैं शासन करता हूं और यहां की जितनी भी संपत्ति है उस पर क्या करता हूं? मैं अपना अधिकार स्थापित करता हूं। टैक्स वैक्स मैं क्यों लेते रहूं? तो कलिंग राज क्या कर दिए? यहां पर आए, इन दोनों को पराजित किए और पराजित करके अब प्रत्यक्ष रूप से कलचूरी वंश की स्थापना कर रहे हैं। कौन स्थापना कर रहे हैं? तो कलिंग राज स्थापना कर रहे हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कलचूरी वंश के संस्थापक कौन है? तो कौन है? कलिंग राज। ठीक है, कौन है? कलिंग राज छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से कलचूरी वंश के संस्थापक है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको यहां तक? अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। ठीक, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था, दूसरा, निम्न में से कौन सा नाम कलचूरियों से संबंधित नहीं है?
कट छुरी, कल चूर या कल कुटी इनमें से कोई नहीं। कट छुरी, कल चूर या कल कुटी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया था कि ये सारे क्या हैं, कलचुरी वंश के नाम हैं, तो इनमें से कोई नहीं क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला, कलचुरी शासकों का वंश है। क्या पूछा जा रहा है आपको, कलचुरी शासकों का वंश है। तो अभी मैंने बताया था कि कलचुरी शासकों का वंश क्या है, तो चंद्रवंशी क्षत्रिय कलचुरी शासकों का वंश है। ठीक, प्रारंभिक कलचुरी शासन में किन दो शासकों के मध्य 200 वर्षों की जानकारी प्राप्त नहीं होती। प्रारंभिक कलचुरी वंश में क्या पूछा जा रहा है आपको, किन दो शासकों के मध्य 200 वर्षों की जानकारी प्राप्त नहीं होती। पहला, कृष्णराज कोक्कल प्रथम, शंकरगढ़ प्रथम, बुद्धराज कोक्कल प्रथम, वामनदेवराज और बुद्धराज और वामनदेवराज, इनमें से किन शासकों के मध्य 200 वर्षों की जानकारी प्राप्त नहीं होती प्रारंभिक रूप में। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, जल्दी से आंसर दीजिए आप, लगा लिया आंसर आपने। तो हमने पढ़ा था अभी कि बुद्धराज के समय में क्या होता है, तो बुद्धराज के समय में चालुक्यों का आक्रमण होता है, कब, 620 ईस्वी में। ठीक है, कब आक्रमण होता है, तो 620 ईस्वी में बुद्धराज के समय क्या हो जाता है, कलचुरियों पर चालुक्यों का आक्रमण हो जाता है, जिसमें क्या होते हैं, बुद्धराज पराजित होते हैं। और बुद्धराज के पराजित होने के उपरांत 200 वर्षों तक हमको जानकारी प्राप्त नहीं होती किसके संबंध में, तो कलचुरियों के संबंध में। और जब कलचुरियों के संबंध में हमको 200 वर्षों तक जानकारी प्राप्त नहीं होती, तब उसके बाद 200 वर्ष बाद सबसे प्रतापी शासक के रूप में किसकी जानकारी प्राप्त होती है हमको, तो वामन देवराज की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कलचुरी शासकों ने त्रैकुटक संवत का प्रयोग किया जिसका स्थापना वर्ष है। ठीक है, त्रैकुटक संवत का प्रयोग किया गया है किसके द्वारा, तो कलचुरियों के द्वारा, जिसका स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है आपको कि इसका स्थापना वर्ष क्या है, कब से त्रैकुटक संवत चल रहा है। 248 ईस्वी दिया है आपको, 248 ईसा पूर्व, 284 ईस्वी, 284 ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब 248 एडी की, 248 बीसी की, 284 एडी या 284 बीसी, इसमें से क्या है स्थापना वर्ष त्रैकुटक संवत का। तो जो त्रैकुटक संवत है उसका स्थापना वर्ष है 248 ईस्वी, 248 ईस्वी में क्या हुआ था, त्रैकुटक संवत की स्थापना हुई थी। अगला, छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करने वाले प्रथम कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय किसके पुत्र थे। क्या पूछा जा रहा है, शंकरगढ़ द्वितीय किसके पुत्र थे। अभी जस्ट मैंने आपको पूरा पढ़ाया इसके बारे में, प्रारंभिक कलचुरी वंश के बारे में। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इजिली यहां पर अपना आंसर दे सकते हैं, क्या है इसका आंसर। तो हमने देखा था कि कोक्कल प्रथम के पुत्र रहते हैं कौन, शंकरगढ़ द्वितीय। कोक्कल प्रथम के 18 पुत्रों में से एक रहते हैं जो क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोक्कल प्रथम। अगला, निम्न कलचुरी शासकों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपको, निम्न कलचुरी जो शासक हैं उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तखत सिंह, राज सिंह, कल्याण सिंह, सिरदार सिंह। ठीक, क्लियर है, इनको क्या करना है आपको, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चलिए जल्दी से क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, कर लिया व्यवस्थित आपने। चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं अब कलचुरी वंश के बारे में। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश, छत्तीसगढ़ में क्या देख लेते हैं हम, कलचुरी वंश। तो ये जो कलचुरी वंश है इसका समय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 990 से 1741 तक है। ठीक है, कब तक है, 990 से 1741 तक कलचुरी वंश का क्या है, समय है। कहां पर, तो छत्तीसगढ़ में इनका समय है 990 से 1741 तक। और इनकी राजधानी पूछे कि कलचुरी वंश वाले जो हैं, इनकी राजधानी क्या क्या रही है, तो एक आप बताएंगे तुम्बाड़, रतनपुर और कोसंगा। तुम्बाड़, रतनपुर और कोसंगा।
तुमार कोरबा में, कोसंगा कोरबा में, रतनपुर आपका बिलासपुर जिले में, ठीक है। कहां कहां पर? तुमार आपका कोरबा, रतनपुर बिलासपुर और कोसंगा भी कहां पर? कोरबा में, ठीक है। यहां पर कलचुरियों की कौन सी शाखा स्थापित हुई पूछे आपको, तो कलचुरियों की लहुरी शाखा यहां स्थापित हुई थी, ठीक है। कौन सी शाखा स्थापित हुई थी? तो लहुरी शाखा स्थापित हुई थी। कलचुरियों की कुलदेवी, कुलदेवी, कुलदेवी कौन है? तो माता गजलक्ष्मी क्या है? कलचुरियों की कुलदेवी है, ठीक है। कौन? माता गजलक्ष्मी कलचुरियों की क्या है? कुलदेवी है। समझ में आ गया आपको? साथ ही इनकी राज मुद्रा में भी क्या अंकन होता था? तो गजलक्ष्मी का अंकन होता था। इसके अलावा जो कलचुरी शासक हैं, इनका धर्म है शैव धर्म, ठीक है। कौन सा धर्म? शैव धर्म क्या है इनका? धर्म है, ठीक। ये जो कलचुरी वंश है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, इसे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इनका संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कलचुरी वंश का संस्थापक कहा जाता है कलिंग राज को, ठीक है। किसे कहा जाता है? कलिंग राज को कलचुरी वंश का संस्थापक कहा जाता है। आपको पूछे कि इस वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो जाजल्यदेव प्रथम को हम क्या मानते हैं? इस वंश का प्रतापी शासक मानते हैं। अभी पढ़ेंगे जाजल्यदेव प्रथम के बारे में आगे। और इस वंश का अंतिम शासक, मतलब अंतिम स्वतंत्र शासक, रघुनाथ सिंह को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? तो रघुनाथ सिंह को इस वंश का क्या कहा जाता है? अंतिम स्वतंत्र शासक कहा जाता है। अब थोड़ा सा स्वरूप पे चर्चा कर लेते हैं हम कि जो कलचुरी वंश है ये छत्तीसगढ़ में किन किन स्वरूपों में शासन किए हैं, ठीक है। स्वरूप, तो कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में शासन करने का स्वरूप है, पहला, एक तो ये त्रिपुरी के अधीन रहकर शासन करते हैं, त्रिपुरी के अधीन, पहला क्या, त्रिपुरी के अधीन रहकर कलचुरी वंश क्या करते हैं यहां छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं, मतलब त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीन रहकर छत्तीसगढ़ के कलचुरी क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। दूसरा, त्रिपुरियों से स्वतंत्र होकर ये यहां पर क्या करते हैं? स्वतंत्र कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं। और इसके उपरांत जो कलचुरी वंश है ये कुछ समय मराठों के अधीन रहकर शासन करते हैं, मराठों के अधीन, ठीक है। लगभग 12-15 साल क्या करते हैं? ये मराठों के अधीन शासन करते हैं। समझ में आ गया? अब त्रिपुरी के अधीन कौन कौन से शासक शासन करेंगे? तो आप बताएंगे कलिंगराज, ठीक है, सबसे पहले शासक है ये, ठीक है। कुक्कल द्वितीय के क्या है? पुत्र है। और उन्हीं के समय में क्या कर रहे हैं? कुक्कल द्वितीय के समय कलिंगराज तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं के अधीन रहकर क्या कर रहे हैं? ये यहां पर शासन कर रहे हैं, ठीक। कलिंगराज के बाद अगले शासक का नाम बताएंगे आप कमलराज। कमलराज के उपरांत रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, और रत्नदेव प्रथम उपरांत पृथ्वीदेव प्रथम। ये चार शासकों को आपको क्या जानना है? तो ये शासक जो हैं, ये त्रिपुरी के अधीन रहकर क्या किए? छत्तीसगढ़ में शासन किए। इसके उपरांत छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्वतंत्र कलचुरी वंश की स्थापना जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा की गई, ठीक है। किसे के द्वारा की गई? तो जाजल्यदेव प्रथम क्या थे? छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र कलचुरी वंश के संस्थापक थे। कौन? जाजल्यदेव। और जाजल्यदेव के उपरांत रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय उपरांत पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के उपरांत जाजल्यदेव द्वितीय। जाजल्यदेव द्वितीय के उपरांत जगतदेव। इसके उपरांत रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय के उपरांत प्रताप मल्ल। और प्रताप मल्ल के उपरांत
फिर से हमको 200 वर्षों की जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, कितने वर्षों की? तो 200 वर्षों की जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक, और जब 200 वर्षों की जानकारी नहीं प्राप्त होती, उसके उपरांत जो अगला नाम मिलता है हमको कलचुरी वंश में, वो रहता है बहरेंद्र साय। ठीक है, किसका नाम रहता है? बहरेंद्र साय। बहरेंद्र साय उपरांत कल्याण साय, कल्याण साय के बाद तखत सिंह, कल्याण के उपरांत कल्याण साय, कल्याण साय के उपरांत आप क्या जानेंगे? तो कल्याण साय के बाद तखत सिंह, तखत सिंह के उपरांत फिर राज सिंह, तखत सिंह के उपरांत राज सिंह, तखत सिंह, तखत सिंह के बाद राज सिंह, और राज सिंह के उपरांत फिर कौन आएंगे? जल्दी बताइए, राज सिंह के उपरांत कौन? तो राज सिंह के उपरांत सिरदार सिंह। ठीक, राज सिंह के उपरांत कौन? तो राज सिंह के उपरांत सिरदार सिंह। और सिरदार सिंह के उपरांत रघुनाथ सिंह। सिरदार सिंह के उपरांत कौन? तो रघुनाथ सिंह। क्लियर है? ये क्या हो गए? स्वतंत्र कलचुरी वंश के शासक हो गए। इसके उपरांत मराठों के अधीन आपको सिर्फ एक याद रखना है, मोहन सिंह। मराठों के अधीन कौन? तो मोहन सिंह। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ठीक, कलिंगराज, कलिंगराज के उपरांत कौन? कमलराज। कमलराज के उपरांत रत्नदेव प्रथम, और रत्नदेव प्रथम के उपरांत पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक, पृथ्वीदेव प्रथम के उपरांत ये जो चार शासक हैं, ये क्या है? छत्तीसगढ़ में त्रिपुरी के अधीन शासन करने वाले कलचुरी शासक हैं। फिर छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र कलचुरी वंश के संस्थापक किसे कहा जा रहा है? तो जाजल्यदेव प्रथम को कहा जा रहा है। जाजल्यदेव प्रथम के उपरांत रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय के उपरांत पृथ्वीदेव द्वितीय, और पृथ्वीदेव द्वितीय के उपरांत जाजल्यदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय के उपरांत एक क्या दिख रहा है आपको? जगतदेव। तो यहां पर थोड़ी सी स्टोरी सुन लो। ठीक है, जो पृथ्वीदेव द्वितीय रहते हैं, इनके दो पुत्र ध्यान रखना आपको। ठीक है, कितने पुत्र ध्यान में रखना है? दो पुत्र। ठीक, इनके बड़े पुत्र रहते हैं जगतदेव। कौन रहते हैं? जगतदेव। और छोटे पुत्र रहते हैं जाजल्यदेव द्वितीय। कौन रहते हैं छोटे पुत्र इनके? जाजल्यदेव द्वितीय इनके छोटे पुत्र रहते हैं। अब जब पृथ्वीदेव द्वितीय की क्या होती है? मृत्यु होती है। यहां पर जब पृथ्वीदेव द्वितीय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो पृथ्वीदेव द्वितीय की मृत्यु उपरांत जो जगतदेव रहते हैं, वो राज्य की रक्षा हेतु कहां चले जाते हैं? पूर्वी सीमा पर चले जाते हैं, जहां पर गंग राजाओं से इनका युद्ध होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए राजा किसको बनाया जाता है? जाजल्यदेव द्वितीय को राजा बनाया जाता है। जाजल्यदेव द्वितीय 1165 से 1168 तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। और 1168 में जाजल्यदेव द्वितीय की क्या हो जाती है? आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। जब जाजल्यदेव द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तब इनके जो भाई रहते हैं कौन? जगतदेव, जो कि क्या कर रहे थे? पूर्वी सीमा पर रहकर गंग शासकों से राज्य की रक्षा कर रहे थे, वो पुनः रतनपुर आते हैं। और रतनपुर आकर क्या करते हैं? राज्य का जो दायित्व है, या अगले कलचुरी शासक वो बनते हैं, राज्य का संचालन उनके द्वारा किया जाता है। ठीक, जगतदेव, जगतदेव के उपरांत फिर जगतदेव और रानी सोमल्ला देवी के पुत्र कौन? रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय के उपरांत प्रताप मल्ल, और प्रताप मल्ल के उपरांत हमको क्या नहीं हो रहा है? 200 वर्षों की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कलचुरी वंश का अंधकार युग बोलते हैं। कलचुरी वंश का अंधकार युग इसी को कहा जाता है। ठीक है, कलचुरी वंश का अंधकार युग इसको कहते हैं। फिर कौन? बहरेंद्र साय। बहरेंद्र साय के उपरांत कल्याण साय, फिर तखत सिंह, राज सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। ठीक, इसके उपरांत मराठों के अधीन कौन है? तो मराठों के अधीन एक शासक बस याद रखना है आपको, क्या? तो मराठों के अधीन सिर्फ मोहन सिंह। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न कालचुरी शासकों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने बोल रहा है। ठीक है, तो
कर लिए होंगे अभी तक तो आप लोग व्यवस्थित इसको। तो हमने देखा था सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, जब हम नीचे आ रहे थे तो आप ध्यान दें तो हमको यहां पर प्रताप मल और प्रताप मल के उपरांत बहरेंद्र साय, ठीक, बहरेंद्र साय के उपरांत हमको कल्याण साय नजर आ रहा था, ठीक है, कौन नजर आ रहा था, कल्याण साय, कल्याण साय के बाद फिर तखत सिंह, तखत सिंह के बाद राज सिंह और राज सिंह के बाद सिरदार सिंह और उसके नीचे हम लोग रघुराज सिंह देखा था। तो तीन क्या हो जाएगा, पहला तो तीन एक में दिख रहा है बी और डी में, फिर तीन के बाद क्या, तखत सिंह, ठीक, तखत सिंह क्या हो जाएगा आपका अगला हो जाएगा, ठीक है, कौन, तो तखत सिंह, है ना, तखत सिंह के उपरांत फिर राज सिंह और राज सिंह के उपरांत सिरदार सिंह, तो बी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखते हैं अगला, ठीक, अगला बोल रहा है कलिंग राज ने त्रिपुरी के अधीन रहकर दक्षिण कोसल में साम्राज्य विस्तार किया, ठीक, क्या बोला जा रहा है, कलिंग राज ने त्रिपुरी के अधीन रहकर दक्षिण कोसल में साम्राज्य विस्तार किया, इसकी जानकारी प्राप्त होती है अमोदा ताम्रपत्र से, तहकीक हिंद से, बिल्हारी ताम्रपत्र से, रतनपुर शिला लेख से, जल्दी से अपना आंसर दीजिए, ठीक है, अमोदा ताम्रपत्र से हो रहा है कि तहकीक हिंद से हो रहा है कि बिल्हारी ताम्रपत्र से हो रहा है कि रतनपुर शिला लेख से हो रहा है, जल्दी से अपना आंसर लगाइए। कलिंगराज, कलिंगराज को हमने देखा था किस रूप में, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक के रूप में, किसके रूप में, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक के रूप में हमने किसे देखा था, तो कलिंगराज को देखा था, क्लियर है आपको यहां तक, ठीक। अब जो कलिंगराज थे वो किनके पुत्र थे, तो वो कोकल द्वितीय के पुत्र थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में जब कलचुरी वंश की स्थापना की तो अपनी राजधानी किसको बनाया, तो तुम्बाड़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, तुम्बाड़ को राजधानी बना दिया, और हमको पता है कि कोकल द्वितीय के समय में छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करके छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कर दी, यहां तक क्लियर है। अब ये जो कलिंग राज है इनके संबंध में जानकारी, ठीक है, कलिंग राज के संबंध में जो जानकारी है वो हमको मिलता है एक तो अमोदा ताम्रपत्र से, ठीक है, किससे मिलता है, अमोदा ताम्रपत्र से, और दूसरा मिलता है तहकीक ए हिंद से, ठीक है, किससे मिलता है, तो तहकीक ए हिंद, ठीक है, जो कि अलबरूनी की रचना रहते हैं, ठीक है, किसकी रचना है, अलबरूनी की रचना है, जो मोहम्मद गजनबी के साथ क्या हुए थे, भारत आए थे। इसमें से जो अमोदा ताम्रपत्र है, जो पृथ्वीदेव प्रथम का एक्चुअल किसका है, तो पृथ्वीदेव प्रथम का, इस अमोदा ताम्रपत्र में कहा गया है कि कलिंग राज ने, ठीक है, किसने, कलिंग राज ने त्रिपुरी के अधीन रहकर छत्तीसगढ़ में साम्राज्य विस्तार किया था, त्रिपुरी के अधीन रहकर छत्तीसगढ़ में क्या किया था, इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था, ऐसा जानकारी हमको किसमें प्राप्त हो रही है, तो अमोदा ताम्रपत्र में हमको इसकी जानकारी मिल रही है। साथ ही कलिंग राज के बारे में एक चीज आप ध्यान रखना कि जो कलिंग राज हैं वो दक्षिण में चोल वंश के एक परम प्रतापी शासक, ठीक है, कौन से, तो दक्षिण में चोल वंश के परम प्रतापी शासक राजा राज चोल के क्या रहते हैं, समकालीन रहते हैं। साथ ही जो कलिंग राज है उनके द्वारा चैतुरगढ़ में एक महामाया मंदिर का निर्माण भी कराया गया था, ठीक है, कि क्या कराया गया था, महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, अमोदा ताम्रपत्र क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन बोल रहा है युग अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, तो युग अनुसार रतनपुर के नाम को सुमेलित करें, ठीक है, किसके अनुसार आपको सुमेलित करना है, तो युग के अनुसार रतनपुर के नाम को सुमेलित आपको करना है, ठीक। पहला क्या बोल रहा है, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, ठीक, इधर चार नाम दिए हैं, मणिपुर, हीरापुर, माणिकपुर, रतनपुर, कर लेंगे सुमेलित, चलो जल्दी करो, लगा लिया आपने अपना आंसर, तो देखिए पहले सुमेलित कर लेते हैं, जो रतनपुर है ना, इस रतनपुर को सतयुग में, ठीक है, किसमें, सतयुग में कहा गया है मणिपुर, ठीक है, क्या कहा गया है, मणिपुर। दूसरा, त्रेता युग के अंतर्गत,
त्रेता युग में इसे कहा गया है माणिकपुर। ठीक, क्या कहा गया है? माणिकपुर। अगला, द्वापर युग में इसे हीरापुर कहा जाता था। और कलयुग के अंतर्गत तो आप जान ही रहे हैं क्या कहा जाता है, रतनपुर कहा जाता है। तो देख लीजिए, त्रेता युग के अंतर्गत क्या कहा गया है? माणिकपुर कहा गया है। तो पहला का तीन हो जाएगा, तो ए और बी क्या हो गया आपका? आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर सकते हैं। बच गया अब आपका क्या? सी और डी। सतयुग में क्या कहा गया है? मणिपुर कहा गया है, है ना। तो ब का क्या हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जा रहा है? सीधा सीधा इसका आंसर हो जा रहा है, कलयुग को, कलयुग के अंतर्गत रतनपुर और लास्ट में आपका दो हीरापुर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साहिल वीर पुरुष कलचुरी सेनापति बनने से पूर्व किस वंश के सेनापति थे? क्या कहा जा रहा है आपको? जो साहिल वीर पुरुष हैं वो सेनापति बनने से पूर्व किसके सेनापति बनने से पूर्व? तो कलचुरी सेनापति बनने से पूर्व किस वंश के सेनापति थे? पहला क्या बोल रहा है आपको? गंग वंश, कर वंश, सोम वंश और मेघ वंश। जल्दी अपना आंसर दीजिए। लगा लिया आपने आंसर? लगा लिया कि नहीं लगाया? जल्दी बताइए आप। लगा लिए, बढ़िया। देखते हैं इसके बारे में, पहले थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है? साहिल वीर पुरुष के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि वो कलचुरी सेनापति बनने से पहले क्या थे, किस वंश के सेनापति थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो साहिल वीर पुरुष है कि वो कलचुरी के किस शासक के सेनापति थे। तो हमने एक पढ़ा कलिंगराज के बारे में भी, अब दूसरा हम पढ़ते हैं कमलराज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? कमलराज के बारे में। कमलराज जो कि क्या थे? तो कलिंगराज के पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे? कलिंगराज के पुत्र थे। और ये जो कमलराज हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो ये भी त्रिपुरी के अधीन ही, अपने पिता के समान ही क्या कर रहे हैं? ये त्रिपुरी के अधीन ही रहकर शासन कर रहे हैं, है ना। तो एक यहां क्या हो गया आपका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व में क्या है आपका? उत्कल, मतलब उड़ीसा। और छत्तीसगढ़ के जो उत्तर पश्चिम वाला या पश्चिम वाला जो एरिया है, इसके अंतर्गत क्या आपका? त्रिपुरी, मतलब मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। तो त्रिपुरी के अंतर्गत इस समय एक शासक रहते हैं जिनका नाम रहता है गांगेय। ठीक है, क्या शासक रहते हैं? तो गांगेय करके एक शासक रहते हैं। कहां पर? तो त्रिपुरी के अंतर्गत एक शासक है, कौन? गांगेय। अब ये जो गांगेय रहते हैं, इनकी एक योजना रहती है कि ये क्या करेंगे, तो इनको उत्कल पर आक्रमण करके उत्कल तक, ठीक, मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर भी क्या करना है इनको? छत्तीसगढ़ के पूर्व वाले एरिया के अंतर्गत इनको आक्रमण करना है, मतलब उत्कल पर क्या करना है इनको? आक्रमण करना है, ऐसा इनका उद्देश्य रहता है। ठीक है, कहां पर आक्रमण करने का उद्देश्य है? तो उत्कल पर आक्रमण करने का उद्देश्य रहता है। ठीक है, कहां पर आक्रमण करने का उद्देश्य रहता है? तो उत्कल पर आक्रमण करने का उद्देश्य रहता है। अब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इनके सहयोगी कौन है? तो अभी हमने देखा था कि कमलराज क्या कर रहे हैं यहां पे? त्रिपुरी के अधीन रहकर छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हैं। तो ये जो कमलराज रहते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो गांगेय हैं, इनको सैन्य सहायता दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ये सैन्य सहायता दे रहे हैं। कौन? कमलराज सैन्य सहायता दे रहे हैं किनको? गांगेय को। किसके लिए? तो उत्कल पर आक्रमण करने के लिए। अब इस समय उत्कल पर जो शासक शासन करते रहते हैं, उनका नाम रहता है शुभांकर द्वितीय। ठीक है, क्या नाम रहता है? शुभांकर द्वितीय, जो कि कर वंश के थे। ठीक है, किस वंश के थे? तो कर वंश के थे। समझ में आ गया? इसके ऊपर क्या किया जाता है? आक्रमण किया गया। ठीक है, और इस आक्रमण में ये जो शुभांकर द्वितीय हैं, ये क्या होते हैं? पराजित होते हैं। ठीक है, शुभांकर द्वितीय क्या होते हैं? पराजित होते हैं। लेकिन शुभांकर द्वितीय के एक सेनापति रहते हैं। ठीक है, किसके सेनापति रहते हैं? तो शुभांकर द्वितीय के एक सेनापति जिसका नाम है साहिल वीर पुरुष। साहिल वीर पुरुष, ठीक है, क्या नाम रहता है? साहिल वीर पुरुष। और इस साहिल वीर पुरुष की वीरता से प्रभावित होकर, ठीक है, किससे प्रभावित होकर? साहिल वीर पुरुष की वीरता से प्रभावित होकर ये जो कमलराज रहते हैं, क्या करते हैं? साहिल वीर पुरुष को
साहिल वीर पुरुष को अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। साहिल वीर पुरुष को क्या करते हैं, ये अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। साहिल वीर पुरुष को अपना सेनापति ये क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। क्लियर है, तो समझ में आ गया कौन थे साहिल वीर पुरुष। तो साहिल वीर पुरुष उत्कल के क्या थे, सेनापति थे या उड़ीसा के सेनापति थे। ठीक, अब ये जो शुभांकर द्वितीय है या करवंश है इसके बारे में हमको उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज प्रथम के, पृथ्वीदेव प्रथम के क्या अमोदा ताम्रपत्र में। इसी अमोदा ताम्रपत्र में कहा गया था कि जो उड़ीसा के अंतर्गत शासक है कौन, शुभांकर द्वितीय करवंश के, उस पर क्या किया गया था, ये जो त्रिपुरी के शासक है गांगे इनके द्वारा आक्रमण किया गया था। और इनके इस आक्रमण में जो कमल राज है वो क्या करते हैं, उनको सैन्य सहायता देते हैं। और सैन्य सहायता जब देते हैं तब इस युद्ध में क्या हो जाता है, शुभांकर द्वितीय की पराजय होती है। लेकिन इस शुभांकर द्वितीय के एक सेनापति हैं या कर वंश के सेनापति हैं साहिल वीर पुरुष, जिनकी वीरता से क्या हो रहे हैं, कमलराज बहुत प्रभावित होते हैं। और कमलराज इनकी वीरता से प्रभावित होने के उपरांत साहिल वीर पुरुष को क्या करते हैं, अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। क्लियर है, अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, साहिल वीर पुरुष कलचुरी सेनापति बनने से पूर्व किसके सेनापति थे या किस वंश के सेनापति थे। तो किस वंश के सेनापति थे, तो कर वंश के सेनापति थे। कौन थे शासक, तो शुभांकर द्वितीय थे। शुभांकर द्वितीय के सेनापति थे। और इसके संबंध में हमको जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है, तो इसके संबंध में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है अमोदा ताम्र पत्र से। ठीक है, किसे प्राप्त होता है, तो अमोदा ताम्र पत्र से हमको इसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। ठीक, अगला पूछ रहा है कौन सा निर्माण कार्य रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर में नहीं किया है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको, कौन सा निर्माण कार्य जो है वो रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर में नहीं किया है, ऐसा आपको पूछ रहा है। रत्नजड़ित शिव मंदिर, विशाल तालाब, महामाया मंदिर, नाना देव कुलभूषित मंदिर, इनमें से कौन सा जो निर्माण है उसको जो रत्नदेव प्रथम है उन्होंने रतनपुर में नहीं किया है, ये आपको पूछा जा रहा है। जल्दी बताइए, आप अपना आंसर दीजिए। लगा लिया आंसर, लगा लिया आपने, नहीं लगाया है तो चलो देखते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रत्नदेव प्रथम के बारे में। तो जो रत्नदेव प्रथम है ठीक, इनके बारे में सबसे पहले आप जानिएगा कि जो रत्नदेव प्रथम है इनका समय कितना है, तो इनका समय है 1045 से 1065। ठीक है, ये क्या है, रत्नदेव प्रथम का समय है। ठीक है, कब से कब तक, तो 1045 से 1065 तक का जो समय है वो किसका है, तो वो रत्नदेव प्रथम का है। अब रत्नदेव जो प्रथम है इनके द्वारा अपने शासन काल में, ठीक है, क्या किया गया, इनके द्वारा अपने शासन काल में क्या किया गया, 1045 में तुम्मान से, ठीक है, कहां से, तुम्मान से 45 मील दूर, एक नए नगर की स्थापना की गई जिसका नाम था रत्नदेवपुर नगर। ठीक है, क्या नाम था, रत्नदेवपुर नगर। और इसी रत्नदेवपुर नगर को आज वर्तमान में हम किस नाम से जान रहे हैं, तो रतनपुर के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, इसी रत्नदेवपुर नगर को हम लोग वर्तमान में किस नाम से जान रहे हैं, तो रतनपुर के नाम से जान रहे हैं। साथ ही मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि ये जो रत्नदेवपुर नगर है इसका प्राचीन नाम क्या क्या है, तो हमने देखा था सतयुग के अंतर्गत, इसे क्या बोल रहे थे हम, मणिपुर। ठीक, सतयुग के उपरांत त्रेता युग में इसे ही हम माणिकपुर कह रहे थे, माणिकपुर। द्वापर युग में इसे हम हीरापुर कह रहे थे,
और अभी कलयुग के अंतर्गत रतनपुर कह रहे हैं। साथ ही चारों युगों में इस शहर का अस्तित्व होने के कारण रतनपुर को चतुर्युगीपुरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चतुर्युगीपुरी भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा जो रतनपुर है यह छत्तीसगढ़ का प्रथम समृद्धशाली नगर माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? रतनपुर का प्रथम, मतलब छत्तीसगढ़ का प्रथम समृद्धशाली नगर माना जाता है, इसलिए इसे कुबेरपुरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कुबेरपुरी या कुबेरपुर भी रतनपुर को कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो रत्नदेव प्रथम के द्वारा क्या किया गया? तो 1045 में रत्नदेवपुर नगर की स्थापना की गई और 1050 में इस रत्नदेवपुर नगर या रतनपुर को क्या कराया गया? तो अपनी राजधानी बनाई गई। ठीक है, क्या किया गया? तो अपनी राजधानी बनाई गई। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब इनके निर्माण कार्य देखते हैं। ठीक है, किसके निर्माण कार्य देखते हैं? तो रत्नदेव प्रथम के निर्माण कार्य को देखते हैं। तो इनका जो निर्माण कार्य है ये दो तीन चीजों में देखते हैं हम। पहला, पर्यटन के रूप में कि इनके द्वारा क्या क्या निर्माण कार्य कराया गया। दूसरा, धार्मिक रूप में। और तीसरा, प्रशासन की दृष्टि से। ठीक है, क्या क्या निर्माण कार्य रत्नदेव प्रथम के द्वारा कराया गया। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो पर्यटन के लिए जो रत्नदेव प्रथम है इनके द्वारा आम्रवन के अलावा पुष्प उद्यान एवं रतनपुर में अनेक संख्या में तालाबों का निर्माण कराया। अनेक संख्या में तालाबों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो रत्नदेव प्रथम के द्वारा अनेक संख्या में तालाबों का निर्माण भी कराया गया। ठीक है, क्लियर है? इसके उपरांत धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो रतनपुर का महामाया मंदिर, रत्नजड़ित शिव मंदिर और नाना देव कुलभूषित मंदिर का निर्माण क्या कराया गया? तो रत्नदेव प्रथम के द्वारा कराया गया। साथ ही प्रशासन की दृष्टि से इनके द्वारा गज किला का निर्माण कराया गया। ठीक है, कौन से किले का निर्माण कराया गया? तो रतनपुर के अंतर्गत गज किला का निर्माण कराया गया। किसके द्वारा? तो रत्नदेव प्रथम के द्वारा। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा निर्माण कार्य रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर में नहीं किया। ठीक है, तो हमने देखा रत्नजड़ित शिव मंदिर का निर्माण कराया है इन्होंने, है ना, महामाया मंदिर का निर्माण कराया है और नाना देव कुलभूषित मंदिर का भी निर्माण कराया है, लेकिन विशाल तालाब का निर्माण नहीं कराया गया है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। जो विशाल तालाब है उसका निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा क्या किया गया है? रतनपुर में कराया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो रत्नदेव प्रथम के पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा क्या किया गया है? विशाल तालाब का निर्माण कहां कराया गया है? तो रतनपुर में कराया गया है। ठीक है, रत्नदेव प्रथम के द्वारा क्या कराया गया? तो अनेक संख्या में तालाबों का निर्माण। ठीक है, क्या जानना है आपको? अनेक संख्या में तालाबों का निर्माण तो रत्नदेव प्रथम। ठीक, विशाल तालाब का निर्माण तो पृथ्वीदेव प्रथम। समझ में आ गया? अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विग्रहराज एवं सोणदेव नामक मंत्री किसके राज दरबार में थे? विग्रहराज एवं सोणदेव नामक मंत्री किसके राज दरबार में थे? रत्नदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, रत्नदेव प्रथम या जाजल्यदेव प्रथम कि रत्नदेव द्वितीय कि पृथ्वीदेव प्रथम, इनमें से किसके दरबार में विग्रहराज एवं सोणदेव नामक मंत्री थे? जल्दी बताइए, लगा लिया आंसर आपने? तो जो विग्रहराज एवं सोणदेव नामक मंत्री थे ये पृथ्वीदेव प्रथम के क्या थे?
राज दरबार में निवास कर रहे थे। अब थोड़ा हम लोग पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक, पृथ्वीदेव प्रथम की जो जानकारी है, पृथ्वीदेव प्रथम की जानकारी हमको प्राप्त होती है अमोदा ताम्र पत्र से। ठीक है, कहां से प्राप्त होती है? तो अमोदा ताम्र पत्र से। ठीक, इनकी पत्नी का नाम था राजल्ला देवी। ठीक है, क्या नाम था? राजल्ला देवी। और इसी राजल्ला देवी से जाजल्ल देव प्रथम का जन्म होता है। ठीक है, जाजल्ल देव प्रथम की ये माता रहती है, जाजल्ल देव प्रथम की माता। कौन? तो राजल्ला देवी। ठीक है, कौन? राजल्ला देवी, जाजल्ल देव प्रथम की माता। अब ये जो पृथ्वीदेव प्रथम है, इनकी उपाधि, तो सबसे पहला इनकी उपाधि है सकल कोशलाधिपति। ठीक है, क्या है? तो सकल कोशलाधिपति। क्यों? तो दक्षिण कोसल के 21,000 ग्रामों पर विजय प्राप्त करने पर, दक्षिण कोसल के 21,000 ग्रामों पर विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें क्या कहा गया? सकल कोसलाधिपति कहा गया। दूसरा, इनकी उपाधि है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर या मंडलाधिपति, महामंडलेश्वर या मंडलाधिपति। ठीक है, क्या? महामंडलेश्वर या मंडलाधिपति। महामंडलेश्वर या मंडलाधिपति, इनको त्रिपुरी से उपाधि मिली थी। ठीक है, कहां से उपाधि मिली थी? तो त्रिपुरी से इनको महामंडलेश्वर या मंडलाधिपति की उपाधि प्राप्त हुई थी। इसके अलावा समाधिगताशेष एवं पंच महाशब्द, समाधिगताशेष एवं पंच महाशब्द, इनकी उपाधि के बारे में हमको पता चलता है अमोदा ताम्र पत्र से। ठीक है, किससे पता चलता है? तो अमोदा ताम्र पत्र से समाधिगताशेष एवं पंच महाशब्द नामक इनकी उपाधि का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। क्लियर है? कौन कौन सी उपाधि? तो पहला क्या? सकल कोशलाधिपति। क्यों? तो दक्षिण कोसल के 21,000 ग्रामों पर विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें क्या कहा गया? तो सकल कोशलाधिपति कहा गया। साथ ही महामंडलेश्वर या मंडलाधिपति। क्यों? क्योंकि जो त्रिपुरी के कलचुरी है उनके अधीन ये क्या कर रहे हैं? एक मंडल पर शासन कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? महामंडलेश्वर या मंडलाधिपति कहा गया। तीसरा क्या? समाधिगत अशेष एवं पंच महाशब्द, इनकी इन उपाधियों का उल्लेख किस में है? तो अमोदा ताम्र पत्र में क्या है? इनके इन उपाधियों का उल्लेख है। समझ में आ गया? इसके अलावा जो पृथ्वीदेव प्रथम है, ठीक, इनके द्वारा बहुत सारे निर्माण कार्य कराए गए हैं। ठीक है, क्या कराए गए हैं? तो इनके द्वारा बहुत से निर्माण कार्य कराए गए। पहला रतनपुर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या कि एक विशाल तालाब का निर्माण कराया गया रतनपुर में, क्या? विशाल तालाब का निर्माण। इसके अलावा रतनपुर, और रतनपुर के अलावा आप ध्यान देंगे कोरबा के अंतर्गत एक जगह आप ध्यान देना, पहला क्या? तुम्मान, और दूसरा ध्यान देना आप लाफागढ़। तुम्मान और लाफागढ़, तुम्मान में इन्होंने पृथ्वी देवेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, पृथ्वी देवेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण। इसके अलावा इनके द्वारा बंकेश्वर महादेव मंदिर में
चतुष्ठिका का निर्माण कराया गया। ठीक है, किसका निर्माण कराया गया? तो चतुष्ठिका निर्माण कराया गया। किनके द्वारा कराया गया? तो पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा बंकेश्वर महादेव मंदिर। ये जो बंकेश्वर महादेव का मंदिर है ये रत्नदेव प्रथम द्वारा निर्मित है। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित है? तो रत्नदेव प्रथम के द्वारा ये बंकेश्वर महादेव का मंदिर निर्मित है। जिस मंदिर पर इन्होंने क्या किया? एक चतुष्टी का निर्माण, मतलब चार खंभों वाले मंडप का निर्माण कराया। चार खंभों वाले मंडप का निर्माण, ठीक है, एक चतुष्टी का निर्माण कराया गया। किसके द्वारा? तो पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा। जिस बंकेश्वर मंदिर का निर्माण इनके पिता रत्नदेव प्रथम ने कराया था, उस रत्नदेव प्रथम द्वारा निर्मित बंकेश्वर महादेव मंदिर में इन्होंने एक चतुष्टी का, मतलब चार खंभों का एक मंडप बनवाया। क्लियर है? इसके अलावा लाफागढ़ के अंतर्गत इन्होंने लाफागढ़ का किला बनवाया। लाफागढ़ का किला बनवाया, ठीक है, किसने बनवाया? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने। इस लाफागढ़ के किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। ठीक है, किसको? तो लाफागढ़ के किला को। ये जो लाफागढ़ का किला है, इस किले में मुख्य रूप से तीन द्वार हैं। ठीक है, तीन द्वार कौन कौन से? तो सिंह द्वार, हुंकारा द्वार, सिंह द्वार, हुंकारा द्वार और मेनका द्वार। सिंह द्वार, हुंकारा द्वार और मेनका द्वार, ये तीन मुख्य द्वार हैं। कहां पर? तो लाफागढ़ के किला में। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला वाला हमने बना लिया था, ठीक है, कि विग्रहराज और स्वर्णदेव नामक मंत्री किसके दरबार में थे? तो पृथ्वीदेव प्रथम के दरबार में थे। अब पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में हमने एक थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी क्या कर लिया, यहां पर जान लिया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र कलचुरी वंश की राजधानी रही है? ठीक है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र कलचुरी वंश की राजधानी रही है? ठीक है, यहां पर कर लेना आप, रही है। निम्न में से कौन सा जो है वो स्वतंत्र कलचुरी वंश की राजधानी रही है? तो मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से जो शासक थे वो त्रिपुरी के अधीन रहकर शासन किए थे, तो कलिंग राज, कमल राज, फिर रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम। इसके उपरांत जो जाजल्यदेव प्रथम है उन्होंने क्या किया था? छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र कलचुरी वंश की स्थापना की थी। ठीक, तो जब स्वतंत्र कलचुरी वंश की स्थापना हुई तब इनकी, मतलब कलचुरियों की राजधानी थी क्या? रतनपुर। ठीक है, क्या थी राजधानी? रतनपुर। हमने अभी पढ़ा था कि 1045 में रत्नदेवपुर नगर, मतलब रतनपुर की स्थापना की गई रत्नदेव प्रथम के द्वारा, जिसके उपरांत 1050 में उन्होंने रतनपुर को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, किसे अपनी राजधानी बना ली? तो रतनपुर को अपनी राजधानी बना ली। इसके उपरांत आगे चलकर हम देखेंगे एक और राजधानी बनेगी जिसका नाम है कोसंगा। ठीक है, जो बहरेन्द्र साय द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो बहरेन्द्र साय द्वारा बनाया जाएगा। तो ये रतनपुर एवं कोसंगा जो है ये क्या है? तो स्वतंत्र कलचुरी वंश की राजधानी है। ठीक है, आप तुम्माड़ को नहीं लगाएंगे। ठीक है, किसे नहीं लगाएंगे? तो तुम्माड़ को नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्माड़ से किसने किसने शासन किया? तो कलिंग राज ने किया। कलिंग राज के अलावा कमल राज के बाद रत्नदेव प्रथम ने। समझ में आ गया? तो तुम्माड़ से कौन कौन से तीन शासकों ने शासन किया? तो कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम ने तुम्माड़ से शासन किया। यहां तक क्लियर है? तुम्माड़ में शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? तो रत्नदेव प्रथम थे। रत्नदेव प्रथम ने अपने शुरुआती समय में कहां से शासन किया? तुम्माड़ से।
उसके उपरांत 1045 में उन्होंने क्या कर लिया, रत्नदेवपुर नगर रतनपुर की स्थापना कर दी, और उसके 5 साल बाद वो क्या कर देते हैं, रतनपुर को ही अपनी राजधानी बना देते थे। ठीक है, तो तुम्बाड़ में कौन कौन से 3 शासक शासन कर रहे हैं, तो कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम। ठीक, फिर रत्नदेव प्रथम रतनपुर को राजधानी बना दिए, और रतनपुर में ही फिर क्या किया गया, स्वतंत्र कलचुरी वंश की स्थापना की गई, और स्वतंत्र कलचुरी वंश की स्थापना के उपरांत वहीं से शासन किया गया। आगे जब हम लोग देखेंगे बहरेंद्र शाह, तो बहरेंद्र शाह के समय क्या होता है, मुस्लिमों का आक्रमण होता है। हालांकि मुस्लिमों के आक्रमण को जो बहरेंद्र शाह है वो विफल कर देते हैं, लेकिन फिर से आक्रमण ना हो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, तो राजधानी रतनपुर से कोसंगा मतलब कोरबा क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो स्वतंत्र कलचुरी वंश की राजधानी क्या क्या है, रतनपुर और कोसंगा, 1 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जाजालदेव प्रथम के विषय में सत्य कथन पहचानिए, बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जाजालदेव प्रथम के विषय में सत्य कथन आपको पहचानना है। पहला, इनके मंत्री पुरुषोत्तम देव थे। दूसरा बोल रहा है, इनके स्वर्ण मुद्रा के मुख्य भाग पर गज शार्दूल एवं पृष्ठ भाग पर श्रीमद् जाजालदेव तथा तांबे के सिक्कों पर हनुमान जी अंकित थे। तीसरा बोल रहा है, इन्होंने खिमड़ी, बैरागढ़, मिदनापुर, सरहगढ़, काकराय पर विजय प्राप्त की थी। और चौथा बोल रहा है, भीमा तालाब का निर्माण कराया था। ठीक है, किसका निर्माण कराया था, तो भीमा तालाब का निर्माण कराया था। इसमें से हमको क्या देखना है, तो सत्य कथन देखना है। 1 और 4 सत्य है कि 1 और 2 सत्य है कि 1, 2, 3 सत्य है कि 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। लगा लिया आपने आंसर, चारों कथनों को पढ़ लिया, पढ़ने के उपरांत आपने आंसर भी लगा लिया होगा। चलिए हम थोड़ा सा जाजालदेव प्रथम के बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि जाजालदेव प्रथम के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। ठीक है, इन सब कथनों पर भी क्या कर लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन गलत हैं। जब तक आप क्या कर लें, अपना आंसर चूज कर लें, और सही होता है तो अच्छा है, और फिर वही कि गलत हो रहा होगा तो हमको क्या करना है, यहीं पर ही गलत करना है, एग्जाम में जाकर गलती नहीं करनी है। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं किसके बारे में, तो जाजालदेव प्रथम के बारे में। जाजालदेव प्रथम, जो जाजालदेव प्रथम है, इन्हें, इनके बारे में सबसे पहले आपको जानना है कि ये क्या है, तो स्वतंत्र कलचुरी वंश के संस्थापक हैं ये। ठीक है, क्या है, तो स्वतंत्र कलचुरी वंश के जाजालदेव प्रथम क्या है, संस्थापक हैं। ठीक है, इनकी जो जानकारी है वो हमको मिलती है रतनपुर शिलालेख से। ठीक है, किससे मिलती है, तो रतनपुर शिलालेख से हमको क्या होती है, जाजालदेव प्रथम के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला आप जानना कि जो जाजालदेव प्रथम है, इनकी पत्नी का नाम है लाछल्ला देवी, लाछल्ला देवी। ठीक है, जाजालदेव प्रथम की पत्नी का नाम क्या, तो लाछल्ला देवी इनकी पत्नी का नाम था, जिससे इनको रत्नदेव द्वितीय का जन्म होता है। ठीक है, किसका जन्म, तो रत्नदेव द्वितीय का जन्म, मतलब रत्नदेव द्वितीय की माता रहती है। कौन रहती है रत्नदेव द्वितीय की माता, तो लाछल्ला देवी, मतलब लाछल्ला देवी। और जाजालदेव प्रथम के पुत्र कौन, तो रत्नदेव द्वितीय। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया आपको। ठीक, इसके अलावा इनकी उपाधि, तो इनकी उपाधि एक आप देखना, गज शार्दूल, श्रीमद् जाजालदेव, श्रीमद् जाजालदेव और महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। ठीक है, क्या, महाराजा धीराज। ठीक है, ये सब क्या है, इनकी उपाधि है। अब मैंने बताया है आपको अभी जस्ट कि इनके द्वारा क्या किया गया, त्रिपुरी के कलचुरियों से अपने आप को स्वतंत्र कराया गया। ठीक है, जब
ये त्रिपुरी के कलचुरियों से अपने आप को स्वतंत्र करा देते हैं तो उसको प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, कि अब मैं क्या हूं, आपसे स्वतंत्र हूं, आपसे मुझे को कोई लेना देना नहीं है, आप कौन हो आपको मैं नहीं जानता वाला सिस्टम था। तब इनके द्वारा क्या किया गया, तो इनके द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए, ठीक है, साथ में तांबे के भी सिक्के जारी किए गए। कौन कौन से सिक्के जारी किए गए, तो सोने एवं तांबे के सिक्के जारी किए गए, ठीक है। तो जो इनकी इनके सिक्के थे, इनका मुद्रा था, इसमें सोने के सिक्के पर, ठीक है, सोने के सिक्के पर जो फ्रंट था, ठीक है, जो मुख्य भाग था, इसमें श्रीमद जाजल्य देव लिखा था, श्रीमद जाजल्य देव, और इसके बैक में मतलब पृष्ठ भाग पर गज सारदुल लिखा था, ठीक है, क्या लिखा था, गज सारदुल, मुख्य भाग में श्रीमद जाजल्य देव और पृष्ठ भाग में गज सारदुल। साथ ही इनका जो तांबे का सिक्का था उस पर हनुमान जी अंकित थे, ठीक है, कौन अंकित थे, तो हनुमान जी अंकित थे, ठीक है, कौन अंकित थे, तो हनुमान जी इनके तांबे के सिक्कों पर अंकित थे। और ये जो इनके तांबे के सिक्के थे ये चंदेल शासकों के समान थे, ठीक है, जैसे चंदेल शासकों के सिक्कों पर क्या होता था, हनुमान जी अंकित होता था, वैसे ही जाजल्यदेव प्रथम के सिक्कों पर क्या अंकित हो रहा था, तो इनके भी सिक्कों पर कौन, हनुमान जी अंकित हो रहे थे, ठीक। साथ ही इनके सेनापति, ठीक है, कौन, तो इनके सेनापति थे जगदेव या जगपाल देव, ठीक है, कौन थे, जगपाल देव। और ये जो जगपाल देव थे ये साहिल वीर पुरुष के क्या थे, वंशज थे, ठीक है, जगपाल देव क्या थे, तो जगपाल देव साहिल वीर पुरुष के वंशज थे, क्लियर है यहां तक। इसके अलावा इनके मंत्री, इनके मंत्री थे पुरुषोत्तम देव, ठीक, इनके मंत्री कौन थे, तो इनके मंत्री पुरुषोत्तम देव थे, ठीक है, इनके मंत्री कौन थे, तो इनके मंत्री पुरुषोत्तम देव थे, ठीक। साथ ही हम बात करें इनके समकालीन शासकों की, मतलब जाजल्य देव प्रथम के समकालीन कंटेम्प्ररी रूलरों की, ठीक है, समकालीन शासक, तो इनके समकालीन त्रिपुरी के अंतर्गत शासन कर रहे थे यशकर्ण, त्रिपुरी के अंतर्गत कौन, तो यशकर्ण, और महाकांतर मतलब बस्तर में सोमेश्वर देव प्रथम, सोमेश्वर देव प्रथम क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, ठीक है, कौन शासन कर रहे थे, तो सोमेश्वर देव प्रथम शासन कर रहे थे, ठीक। अब हम चर्चा करते हैं इनके विजय अभियानों पर, ठीक है, किसके विजय अभियान पर, तो जाजल्य देव प्रथम के विजय अभियानों पर, ठीक। सबसे पहले ध्यान देना आप कि जो जाजल्य देव प्रथम है इन्होंने महाकांतर के छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव प्रथम को क्या किया, इन्होंने पराजित किया, ठीक। होता यह है कि जो सोमेश्वर देव प्रथम रहते हैं वो क्या कर लेते हैं, जाजल्य देव प्रथम और उनके पिता कौन, तो पृथ्वीदेव प्रथम के समय में क्या करते हैं, जो सोमेश्वर देव प्रथम रहते हैं वो आक्रमण करते हैं, आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों पर क्या कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके उपरांत थोड़े समय के बाद क्या होता है,
जब जाजलदेव प्रथम का शासन आता है तो उसके समय तक में भी क्या करते रहते हैं सोमेश्वरदेव प्रथम, धीरे धीरे जो दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र है उसके क्षेत्रों पर क्या करते रहते हैं, वो विजय प्राप्त करते रहते हैं। और कहा जाता है कि सोमेश्वरदेव प्रथम के द्वारा दक्षिण कोसल के 6,96,000 ग्रामों पर क्या कर ली जाती है, विजय प्राप्त कर ली जाती है। ठीक, अब इसके प्रतिशोध स्वरूप जो जाजलदेव प्रथम है वो अपने सेनापति जगतपाल देव के साथ, ठीक है, जो जगतपाल देव है उनके सहायता से क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, सोमेश्वरदेव प्रथम के ऊपर, और आक्रमण करके सोमेश्वरदेव प्रथम को उनके मंत्रियों एवं उनके रानियों सहित क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। ठीक है, उनके मंत्रियों एवं उनके रानियों सहित क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। लेकिन कुछ समय उपरांत जो सोमेश्वरदेव प्रथम की माता रहती है गुंड महादेवी, ठीक, सोमेश्वरदेव प्रथम की माता कौन, तो गुंड महादेवी, उन गुंड महादेवी के निवेदन पर क्या करते हैं, सोमेश्वरदेव प्रथम को जाजलदेव प्रथम मुक्त कर देते हैं। ठीक है, सोमेश्वरदेव प्रथम को क्या कर देते हैं, जाजलदेव प्रथम मुक्त कर देते हैं। क्लियर है? तो महाकांतर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वरदेव प्रथम को पराजित किया। इसके अलावा उड़ीसा के अंतर्गत सुवर्णपुर जिसको वर्तमान में सोनपुर कहा जाता है, यहां के शासक भुजबल को पराजित किया। ठीक है, किसे पराजित किया, तो यहां के शासक भुजबल को पराजित किया। साथ ही उड़ीसा के अंतर्गत ही गंग शासकों को भी क्या किया इन्होंने पराजित किया। ठीक है, किसको पराजित किया, तो गंग शासकों को पराजित किया। समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद इन्होंने इनके विजय अभियान के संबंध में हमको जानकारी मिलती है रतनपुर शिलालेख के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, तो रतनपुर शिलालेख के अनुसार इन्होंने खिमड़ी जगह है आज वर्तमान आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, खिमड़ी पर विजय प्राप्त की। दूसरा बैरागढ़ महाराष्ट्र में, भंडारा जिसको आज वर्तमान के अंतर्गत आप भंडारा बोल रहे हैं, बैरागढ़ वर्तमान चंद्रपुर वाला क्षेत्र है। ठीक, ये दोनों क्या आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत, दंडकपुर जो वर्तमान में मिदनापुर के नाम से जाना जाता है वेस्ट बंगाल में, लंजिका या लांजी वाला क्षेत्र जो वर्तमान बालाघाट मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है। ठीक है, और इसके अलावा तलहरी मंडल मतलब मल्हार पर क्या किया था, जो जाजलदेव प्रथम है इन्होंने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, खिमड़ी, बैरागढ़, भड़ारा, दंडकपुर, लंजिका, तलहरी मंडल या सुवर्णपुर, ठीक है, गंग शासक, ये सब क्या करते थे, एक सालाना कर किसको देते थे, तो जाजलदेव प्रथम को देते थे। समझ में आ गया आपको? क्लियर है यहां तक? ठीक, अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनके मंत्री पुरुषोत्तम देव थे, अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि हाँ इनके मंत्री पुरुषोत्तम देव थे। दूसरा क्या बोल रहा है, इनके स्वर्ण मुद्रा के मुख भाग पर गज शार्दुल एवं पृष्ठभाग पर श्रीमद जाजलदेव तथा तांबे के सिक्कों पर हनुमान जी अंकित थे। तो अभी मैंने बताया कि जो इनका सिक्का था इसके सिक्के के मुख्य भाग पर क्या था, तो श्रीमद जाजलदेव था, और पृष्ठभाग पर क्या था, तो गज शार्दुल था। क्लियर है? इसलिए ये कथन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। इसमें क्या लिखा है, मुख्य भाग पर गज शार्दुल और पृष्ठ भाग पर क्या बोल रहा है, श्रीमद जाजलदेव अंकित थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है, इन्होंने खिमड़ी, बैरागढ़, मिदनापुर, सरहागढ़, काकरा पर विजय प्राप्त की। तो अभी मैंने बताया था आपको कि खिमड़ी पर किया था, बैरागढ़ पर किया था, मिदनापुर पर किया था, लेकिन सरहागढ़ और काकरा पर इन्होंने विजय प्राप्त नहीं की है, इन पर पृथ्वीदेव द्वितीय ने विजय प्राप्त की है। आगे पढ़ेंगे हम अभी पृथ्वीदेव द्वितीय, इस पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या किया है, ये सरहागढ़ और काकरे मतलब कांकेर, सरहागढ़ मचका ये आपका सिहावा वाला क्षेत्र, यहां पर कौन से विजय प्राप्त की है, तो ये पृथ्वीदेव द्वितीय ने विजय प्राप्त की है।
साथ ही भीमा तालाब का निर्माण कराया, यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, जो जाजल्यदेव प्रथम है उनके द्वारा एक शहर की स्थापना की जाती है जाजल्यदेवपुर नगर, जिसको वर्तमान में हम जांजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी जांजगीर शहर पर क्या किया जाता है, इनके द्वारा भीमा तालाब का निर्माण कराया जाता है, और इस भीमा तालाब के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया जाता है, जिसको हम नकटा मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन से मंदिर के नाम से जानते हैं, तो इसको हम नकटा मंदिर के नाम से जानते हैं। साथ ही जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा जो पाली में शिव मंदिर है, जिसको विक्रमादित्य ने निर्मित कराया था, जिसका निर्माण विक्रमादित्य ने कराया था, जो कि पाली के बाणवंशी शासक थे, उसका या उस शिव मंदिर का क्या कराया गया है, तो जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा उसका या उस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, और जीर्णोद्धार कराने के उपरांत वो जो शिव मंदिर है उसके दीवारों पर श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति लिखाया गया। ठीक है, क्या लिखाया गया है, श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति लिखाया गया है। समझ में आ गया आपको, क्लियर है यहां तक? ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सत्य कथन पहचानना है तो पहला और चौथा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, पहला और चौथा क्या है, सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस कलचुरी शासक को जगत का सिंह कहा जाता है, जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम या रत्नदेव द्वितीय, जल्दी अपना आंसर लगाइए। लगा लिया आपने आंसर, तो ये जो नाम है जगत का सिंह, ये कहा जाता है रत्नदेव द्वितीय को। किसे कहा जाता है, रत्नदेव द्वितीय को कहा जाता है। ठीक, अब रत्नदेव जो द्वितीय है, ठीक है, रत्नदेव द्वितीय, इन्हें क्या कहा जा रहा है, जगत का सिंह कहा जा रहा है। साथ ही रत्नदेव द्वितीय की उपाधि त्रिकलिंगाधिपति है। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय की उपाधि क्या, तो त्रिकलिंगाधिपति। क्लियर है यहां तक, क्या है उपाधि, तो त्रिकलिंगाधिपति रत्नदेव द्वितीय की उपाधि है। ठीक, इसके अलावा जो रत्नदेव द्वितीय है इनके पुत्र, ठीक, पुत्र, तो तीन पुत्रों का नाम याद रखना है आपको, पहला पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय के उपरांत जय सिंह, और जय सिंह के उपरांत अकालदेव। ठीक है, ये तीन क्या रहते हैं, तो रत्नदेव द्वितीय के पुत्र रहते हैं। कौन कौन, तो पृथ्वीदेव द्वितीय, जय सिंह और अकाल देव। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। साथ ही इनके सामंत का नाम याद रखना आप, वल्लभ राज इनके मुख्य सामंत रहते हैं, इसके अलावा पुरुषोत्तम राज करके एक व्यक्ति भी क्या रहते हैं, तो रत्नदेव द्वितीय के सामंत रहते हैं। ठीक, अब इनके विजय अभियानों की बात करें अगर हम, ठीक है, किनके विजय अभियानों के, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के विजय अभियानों के, तो आप नोट्स निकाल कर बैठे होंगे, तो आप लिखे अपने नोट्स में, ठीक, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखिएगा, विजय अभियान हेडिंग डालें। ठीक है, किसके विजय अभियान, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के विजय अभियान। ठीक है, इनके विजय अभियानों में सबसे पहले आप डालना कि पृथ्वीदेव द्वितीय बोला क्या, पृथ्वीदेव द्वितीय नहीं, रत्नदेव द्वितीय के क्या, विजय अभियान, रत्नदेव द्वितीय के विजय अभियान में लिखना कि जो रत्नदेव द्वितीय है इनके समय में क्या हुआ था, तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक, ठीक है, कहां के कलचुरी शासक, त्रिपुरी के कलचुरी शासक गया कर्ण ने इन पर आक्रमण किया था। ठीक है, मतलब पृथ्वीदेव के समय त्रिपुरी के कलचुरी शासक गया कर्ण ने आक्रमण किया, परंतु वो पराजित हुए। ठीक है, कौन पराजित होते हैं, तो गया कर्ण पराजित होते हैं। आक्रमण कौन किया, गया कर्ण ने किया, अब पराजित भी कौन हुआ, तो गया कर्ण ही हुआ। ठीक है, तो कौन आक्रमण किया, गया कर्ण, कहां शासक, त्रिपुरी के कलचुरी शासक, लेकिन क्या हो गया, पराजित हो गया। पहला ये विजय अभियान में आप दूसरा लिखें। ठीक, दूसरा में क्या लिखेंगे आप, कि ओडिशा के, ठीक है, कहां के, ओडिशा के गंगवंशीय शासक, ठीक है, कहां के, ओडिशा के गंगवंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़ गंग, ठीक है, कौन, अनंत वर्मन चोड़ गंग ने शिवरी नारायण के समीप आक्रमण किया लेकिन पराजित हुए। ठीक है, कौन, तो उड़ीसा के गंगवंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने भी क्या किया, तो रत्नदेव द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया, परंतु वो भी क्या हुए, तो वो भी पराजित हुए। क्लियर है यहां तक, दो कौन कौन से हो गए, पहला त्रिपुरी से आक्रमण हुआ गया कर्ण का, वो भी पराजित हुए, दूसरा उड़ीसा से आक्रमण हुआ गंगवंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़गंग का, लेकिन वो भी क्या हो गए, पराजित हो गए। इसके अलावा तीसरा लिखना, ओडिशा के ही एक भंजवंशीय शासक रहते हैं, ठीक है, ओडिशा के भंजवंशीय शासक हरवाहु, हरवाहु को भी क्या करते हैं, ये पराजित करते हैं, ओडिशा के गंगवंशीय शासक
हरवाहू को पराजित किया और पराजित करने के उपरांत जो हरवाहू की राजधानी रहती है खिज्जिंग उस पर क्या कर लेते हैं, ये अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक, इसके अलावा चौथा लिखना आप कि जो रत्नदेव द्वितीय हैं इन्होंने बंगाल के गौड़ शासकों को भी पराजित किया था। ठीक है, कहां के, तो बंगाल के गौड़ शासकों को भी पराजित किया था। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। साथ ही रत्नदेव द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि ये 36 विधाओं के ज्ञाता थे। ठीक है, मतलब 36 प्रकार की जो विद्याएं हैं उनके क्या थे, ये ज्ञाता थे। साथ ही ये युद्ध में रुचि रखने वाले शासक थे, ऐसा कहा जाता है। किसके बारे में, तो रत्नदेव द्वितीय के बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, साथ ही जो रत्नदेव द्वितीय हैं इनकी जानकारी अकलतरा, खरौद, सिवरी नारायण, पारागांव और सरखों अभिलेख से प्राप्त होती है। क्या क्या, अकलतरा, खरौद, सिवरी नारायण और पारागांव अभिलेख, पारागांव एवं सरखों अभिलेख से क्या होती है, इनकी जानकारी प्राप्त होती है। किनकी जानकारी प्राप्त होती है, तो रत्नदेव द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, खारुंग झील जिसका विस्तार वर्तमान का खूंटाघाट बांध है का निर्माण किसने कराया। क्या बोल रहा है, खारुंग झील जिसका विस्तार वर्तमान का खूंटाघाट बांध है का निर्माण किसने कराया, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया, पृथ्वीदेव द्वितीय ने कराया, रत्नदेव प्रथम ने कराया कि रत्नदेव द्वितीय ने कराया। जल्दी से अपना आंसर लगाइए, आप लगा लिया आपने आंसर। ठीक, क्या पूछा है आपको, खारुंग झील जिसका विस्तार क्या है, आज वर्तमान का खूंटाघाट बांध है। जल्दी से आप मुझे खूंटाघाट बांध के बारे में बताइए, तो कि खूंटाघाट बांध किस नदी पर है, कहां पर है, जिस नदी पर है वह किसकी सहायक नदी है, यहां कौन सी परियोजना चल रही है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को। ठीक, इसको पढ़े हैं हमने, ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, पूरे डिटेल में हमने यहां पर इसकी स्टडी की थी, तो जल्दी से आप मुझे इसके बारे में बताइए। और साथ ही ये जो खारुंग झील है, खारुंग झील जिसका विस्तार क्या है, तो खूंटाघाट बांध है, इसका निर्माण किसने कराया है, तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने कराया है। ठीक है, किसने कराया है, पृथ्वीदेव द्वितीय ने कराया है। ठीक, ये जो पृथ्वीदेव द्वितीय है इनकी जानकारी, इनकी जो जानकारी है ये हमको मिलती है राजीम शिलालेख से। ठीक है, कहां से मिलती है, तो राजीम शिलालेख से हमको पृथ्वीदेव द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो पृथ्वीदेव द्वितीय हैं इन्होंने काकरय, ठीक, पृथ्वीदेव द्वितीय ना, काकरय मतलब कांकेर, सरहागढ़, सारंगढ़, मेचका, सिहावा पर क्या किया था, इन्होंने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, कहां कहां पर, तो काकरय, कांकेर, ठीक है, सरहागढ़, सारंगढ़, ठीक, मेचका, सिहावा, इसके अलावा भ्रमरकोट, बस्तर। ठीक है, क्या आपका भ्रमरकोट, बस्तर पर क्या किया था, इन्होंने विजय प्राप्त किया था। किसने विजय प्राप्त किया था, तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, साथ ही जो पृथ्वीदेव द्वितीय हैं इनका कलचुरी शासकों में, ठीक है, किसमें, कलचुरी शासकों में सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, टोटल 13 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, किसके, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के। साथ ही एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि जो पृथ्वीदेव द्वितीय हैं इनका जो साम्राज्य है ये संपूर्ण कलचुरी शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य भी था। ठीक है, इनका जो साम्राज्य था वो क्या था, तो सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। ठीक, साथ ही इनके छोटे भाई हैं कौन, अकालदेव। ठीक, छोटे भाई कौन, अकालदेव, तो अकालदेव के द्वारा अकलतरा नगर की स्थापना की गई है। ठीक है, किसकी स्थापना की गई है, तो अकालदेव के द्वारा अकलतरा नगर की स्थापना की गई है। क्लियर है, समझ में आ गया। इनके पुत्र, मैंने उस समय बताया था आपको पुत्र कौन कौन, तो इनके ज्येष्ठ पुत्र थे कौन, जगदेव या जयदेव, और
इनके छोटे पुत्र कौन रहते हैं? तो जाजल्य देव द्वितीय इनके छोटे पुत्र रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब 1165 में पृथ्वीदेव द्वितीय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो इनके बड़े पुत्र रहते हैं कौन, जगदेव, वो क्या करते हैं, पूर्वी सीमा में राज्य की रक्षा हेतु वहां पर नियुक्त हो जाते हैं। और राजा किसको बनाया जाता है, जाजल्यदेव द्वितीय उनके छोटे पुत्र को राजा बनाया जाता है। ठीक, जाजल्यदेव शासक बनते हैं कब, 1165 में, लेकिन 1168 में ही क्या हो जाती है, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। जाजल्यदेव द्वितीय के लिए आप एक चीज जानेंगे कि ये सबसे कम अवधि के कलचुरी शासक रहे। ठीक है, क्या रहे हैं, सबसे कम अवधि मात्र 3 साल के लिए क्या रहे हैं, ये कलचुरी शासक रहे हैं। क्लियर है यहां तक, सबसे कम अवधि तो कितनी, 3 वर्ष के लिए ये कलचुरी शासक रहे हैं। समझ में आ गया आपको, क्लियर है यहां तक। ठीक है, एक चीज जाजल्यदेव प्रथम के बारे में आप जानना एकदम इंपॉर्टेंट है कि इनके समय में भी क्या किया गया है, त्रिपुरी के कलचुरियों द्वारा छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो त्रिपुरी के कलचुरियों द्वारा छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया गया। ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी कौन, तो जय सिंह, जय सिंह के द्वारा क्या किया गया, जाजल्यदेव द्वितीय पर आक्रमण किया गया। लेकिन इस युद्ध में जय सिंह की क्या होती है, पराजय होती है। जाजल्यदेव द्वितीय क्या होते हैं, विजयी प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो विजय होते हैं। इसके अलावा ठीक है, अब आप क्या ध्यान रखेंगे, पहला हमने देखा था रत्नदेव द्वितीय के समय, किसके समय, रत्नदेव द्वितीय के समय गया कर्ण ने क्या किया था, आक्रमण किया था और वो पराजित हुए। दूसरा आप कहां देख रहे हैं आप, तो दूसरा आप देख रहे हैं अभी जाजल्यदेव द्वितीय के समय। और जाजल्यदेव द्वितीय जो है उनके समय में क्या हुआ है, जय सिंह का आक्रमण हुआ है और वो भी पराजित हो गए हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक के समय त्रिपुरी के कलचुरियों का छत्तीसगढ़ पर आक्रमण हुआ। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया किसके किसके समय हुआ था, तो रत्नदेव द्वितीय और जाजल्यदेव द्वितीय के समय में क्या हुआ है, तो त्रिपुरी के कलचुरियों का छत्तीसगढ़ के कलचुरियों पर आक्रमण हुआ है। ठीक, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय गलत हो गया, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय गलत हो गया। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय और जाजल्यदेव द्वितीय ये सही है, जाजल्यदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, ये रत्नदेव तृतीय कर लेना इसको। ठीक है, गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला बोल रहा है, जाजल्यदेव द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है अमोदा ताम्रपत्र से, मल्हार ताम्रपत्र से, राजिम ताम्रपत्र से, कि शिवरी नारायण ताम्रपत्र से। ठीक है, 1-2 से हो रहा है कि 1-2-3 से, 1-2-4 से, 1-2-3-4 सभी से हो रहा है, जल्दी बताइए, आंसर दीजिए आप अपना। लगा लिया आपने आंसर, क्या लगाया, ए लगाया है आपने कि बी लगाया है कि सी लगाया है कि डी लगाया है। तो ये जो जाजल्यदेव द्वितीय है इनकी जानकारी अमोदा, मल्हार एवं शिवरी नारायण ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, कहां कहां से प्राप्त होती है, तो अमोदा, मल्हार एवं शिवरी नारायण ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1-2-4 कहां पर दिख रहा है, सी में, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसमें से ये जो मल्हार ताम्रपत्र है ध्यान में रखना आप, ठीक है, कौन सा ताम्रपत्र आपका, मल्हार ताम्रपत्र, इस मल्हार ताम्रपत्र में जो जाजल्यदेव द्वितीय के समय कौन आक्रमण किए थे, त्रिपुरी के कलचुरी शासक जय सिंह, उनके आक्रमण का उल्लेख है। ठीक है, किसके आक्रमण का उल्लेख है, तो जय सिंह के आक्रमण का उल्लेख है। ठीक, कहा जाता है कि ये जो जय सिंह ने आक्रमण किया था उस आक्रमण में जाजल्यदेव द्वितीय के सेनापति, ठीक है, कौन, जाजल्यदेव द्वितीय के सेनापति अल्हण देव, ठीक है, नाम क्या रहता है, अल्हण देव, जाजल्यदेव द्वितीय के सेनापति अल्हण देव क्या होते हैं, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, चूंकि अल्हण देव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो इनकी 3 पत्नियां, ठीक है, कौन, इनकी 3 पत्नियां अल्हण देव के साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती है। ठीक है, ऐसी जानकारी हमको किसमें प्राप्त हो रहा है, तो हमको प्राप्त हो रहा है मल्हार ताम्रपत्र में, कि युद्ध में अल्हण देव की मृत्यु उपरांत उनकी 3 रानियां क्या हो जा रही है, अल्हण देव के साथ सती हो जा रही है। ठीक, इसके उपरांत मल्हार ताम्रपत्र में यह भी जानकारी मिलती है कि जो अल्हण देव है इनके पुत्र रहते हैं अमर देव। ठीक है, कौन, अमर देव,
तो इस अमर देव की देखरेख का, ठीक है, इनके पालन पोषण का जो जिम्मेदारी है वो कौन उठाता है? तो जाजल्यदेव द्वितीय के द्वारा इस अमर देव की पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई जाती है। क्लियर है? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी अमोदा मल्हार और शिवली नारायण ताम्रपत्र से हमको क्या हो रहा है, जानकारी प्राप्त होती है किसकी? जाजल्यदेव द्वितीय की। क्लियर, समझ में आ गया? इसके अलावा आपको और क्या जानना है कि इनका जो शासन का टाइम है वो 1165 से 68 तक, मतलब मात्र 3 वर्ष, और ये सबसे कम अवधि के क्या है, सबसे कम अवधि के कलचुरी शासक हैं, सबसे कम अवधि के कलचुरी शासक हैं ये, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, किस कलचुरी शासक ने छत्तीसगढ़ में पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे? ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए कि पृथ्वीदेव प्रथम ने कि जाजल्यदेव प्रथम ने कि रत्नदेव द्वितीय ने? किस कलचुरी शासक ने पहली बार छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? तो इसका आप आंसर ध्यान रखना कि जो जाजल्यदेव प्रथम है इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में पहली बार क्या किया गया था, सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक, अगला बोल रहा है, किस कलचुरी शासक ने राजस्व पुस्तिका की रचना की थी? ठीक है, किस कलचुरी शासक ने राजस्व पुस्तिका की रचना की थी, ऐसा आपको कहा जा रहा है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राजस्व पुस्तिका की रचना किसने की थी? बहरेन्द्र साय ने, कल्याण साय ने कि राज सिंह ने कि इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही होगा ये कि कल्याण साय के द्वारा क्या किया गया था, राजस्व पुस्तिका की रचना की गई थी। इस राजस्व पुस्तिका में उन्होंने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली को समझाया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने विस्तृत व्याख्या की थी कि एक जो राज्य है उसको किन किन मदों पर कितना कितना खर्चा करना चाहिए। ठीक है, उसको सेना में कितना खर्चा करना चाहिए, उसको अपने प्रशासन के अंतर्गत कितना खर्चा करना चाहिए, शिक्षा में कितना खर्चा करना चाहिए, ठीक है, इन सभी को समझाने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसे क्या कहते हैं, राजस्व पुस्तिका कहते हैं। ठीक है, और आने वाले समय में इसी राजस्व पुस्तिका को आधार मानकर 1868 में ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी रहते हैं, एक ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफिसर रहते हैं जिनका नाम रहता है मिस्टर चीसम। ठीक है, वो मिस्टर चीसम जो रहते हैं इस राजस्व पुस्तिका को आधार मानकर छत्तीसगढ़ को शिवनाथ नदी के उत्तर एवं शिवनाथ नदी के दक्षिण में क्या करते हैं, 18-18 गढ़ों में विभाजित करते हैं। क्लियर है यहां तक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। दूसरा बोल रहा है, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। तीसरा बोल रहा है, राज्य मंडलों में तथा मंडल गढ़ों में विभाजित था। अब आपको जानना है कि इनमें से सही क्या है, अ ब स सही है, अ और ब सही है, ब और स सही है कि अ और स सही है? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। दूसरा, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। तीसरा, राज्य मंडलों में तथा मंडल गढ़ों में विभाजित था। तो इसमें से ये जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे, यह गलत है। ठीक है, कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत राजा ही क्या था, सर्वोच्च शक्ति का केंद्र होता था। ठीक है, उसके अधिकार सीमित नहीं होते थे। बाकी प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल पर होता था, यह सही है, और राज्य मंडलों में तथा मंडल गढ़ों में विभाजित था, फिर गढ़ बारहों में और बारहों फिर जो है ग्रामों में विभाजित होता था। ठीक है, राज्य क्या है, मंडलों में विभाजित है, मंडल, मंडल के अंतर्गत 1 लाख ग्राम आते थे। ठीक है, मंडल के अंतर्गत कितने ग्राम, तो 1 लाख ग्राम आते थे। ठीक है, इन 1 लाख ग्रामों में जो प्रमुख होता था उसको हम क्या बोलते थे, मंडलाधिपति बोलते थे। ठीक, फिर मंडल किसमें विभाजित होता था, तो गढ़ों में विभाजित होता था। ठीक, गढ़ के अंतर्गत एक गढ़ में 84 ग्राम आते थे, 84 ग्राम आते थे किसमें, तो गढ़ में, और इसका जो प्रमुख होता था वो गढ़ाधिपति कहलाता था। इसका प्रमुख क्या कहलाता था, तो गढ़ाधिपति कहलाता था। ठीक, किसका प्रमुख, तो गढ़ों का प्रमुख गढ़ाधिपति कहलाता था। समझ में आ गया? फिर गढ़ के नीचे क्या रहता था, बारहो, बारहो के अंतर्गत क्या, तो बारहों में कितने ग्राम, तो बारहों में रहते थे 12 ग्राम। ठीक है, एक बारहों के अंतर्गत कितने ग्राम, तो 12 ग्राम। ठीक है, मतलब कितने बारहों मिलकर एक गढ़ बनते थे, तो 7 बारहों मिलकर एक गढ़ बनते थे। ठीक है,
इसके बाद जो बारहो है उसका प्रमुख होता था दाऊ, ठीक है। बारहो के प्रमुख को क्या बोलते थे? दाऊ बोलते थे। तो जल्दी से हाथ उठाइए, कौन कौन दाऊ है, ठीक है, कौन कौन दाऊ जुड़े हैं हमारे साथ, ठीक है। दाऊ के भाई लोग भी हाथ उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी हाथ उठा सकते हैं, दाऊ भी उठा सकते हैं और दाऊ के भाई लोग भी क्या कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बारहो जो था वो किसमें विभाजित होता था, तो ग्राम में विभाजित होता था, ठीक है। और ग्राम के अंतर्गत एक गांव आता था और वो जो गांव का प्रमुख है वो गौटिया कहलाता था, ठीक है। क्या कहलाता था? गौटिया कहलाता था। हाँ, अब गौटिया गौटियाइन लोग भी हाथ उठा सकते हैं कि कौन कौन लोग गौटिया है और कौन कौन लोग गौटियाइन है, ठीक है। इन लोग भी हाथ उठा सकते हैं कौन कौन गौटिया है कौन कौन गौटियाइन है। पता चले हमको कि अभी हमारे पास कितने गौटिया गौटियाइन बचे हुए हैं, ठीक है, किनकी किनकी गौटियाई बची हुई है ना, पता चलना चाहिए हमको। बताइए जल्दी, कोई नहीं है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब और स, ठीक है, बी एंड सी, मतलब आंसर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, रतनपुर का प्रसिद्ध बादल महल एवं हवा महल का निर्माण किस कलचुरी शासक ने कराया है, ठीक। क्या बोल रहा है आपको? रतनपुर का प्रसिद्ध बादल महल एवं हवा महल का निर्माण किस कलचुरी शासक ने कराया? जाजल्यदेव द्वितीय, राजसिंह, जाजल्यदेव प्रथम या रत्नदेव प्रथम? जल्दी बताइए आप, इसका आंसर दीजिए जल्दी। लगा लिया आंसर आपने? रतनपुर का प्रसिद्ध बादल महल एवं हवा महल का निर्माण किस कलचुरी शासक ने कराया? जाजल्यदेव द्वितीय, राजसिंह, जाजल्यदेव प्रथम कि रत्नदेव प्रथम? तो इसका निर्माण राजसिंह के द्वारा कराया गया, ठीक है। किसके द्वारा कराया गया? तो राजसिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसके अलावा जो राजसिंह थे उन्होंने बिलासपुर, बिलासपुर के अंतर्गत, मतलब वर्तमान बिलासपुर जिले के अंतर्गत एक जूना शहर की भी स्थापना की थी, ठीक है। कौन से शहर की स्थापना की थी? तो जूना शहर, मतलब उस समय उसको राजपुर नगर के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में उस राजपुर नगर को जूना शहर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जाना जाता है। क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के शासक सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित किया, जिनके पिता कौन थे, ठीक है। मतलब आपको सोमेश्वर देव प्रथम के पिता का नाम बताना है, मधुरांतक देव थे कि धारावर्ष थे कि कन्हर देव थे कि हरिश्चंद्र थे। आगे हम जब क्या पढ़ेंगे, तो बस्तर का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो धारावर्ष थे वो क्या थे, सोमेश्वर देव प्रथम के पिता थे, ठीक है। किसके पिता थे? तो सोमेश्वर देव प्रथम के पिता थे, ठीक है। सोमेश्वर देव प्रथम के संबंध में एक हम पढ़ेंगे कुरुषपाल शिलालेख, कुरुषपाल शिलालेख, ठीक है। इस कुरुषपाल शिलालेख में जो जाजल्यदेव प्रथम है उनके माता पिता एवं पुत्र का भी क्या है, उल्लेख हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? धारा वर्ष। अगला, निम्न में से कौन सी जो रचना है वो गोपाल मिश्र की नहीं है, बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी जो रचना है वो गोपाल मिश्र की नहीं है, बताना है आपको। खूब तमाशा, विक्रम विलास, राम प्रताप कि जैमिनी अश्वमेघ, इनमें से कौन सी जो रचना है वो गोपाल मिश्र की नहीं है? जल्दी बताइए आप अपना आंसर, ठीक, जल्दी दीजिए आंसर अपना। लगा लिया आपने आंसर? तो इसका आंसर होगा क्या आपका? विक्रम विलास, ठीक है। क्या है इसका आंसर? विक्रम विलास। विक्रम विलास जो है वो क्या नहीं है, गोपाल मिश्र की रचना ही है। ये विक्रम विलास बाबू रेवा राम की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? बाबू रेवा राम की रचना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कि बाबू रेवा राम की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। बाकी जो खूब तमाशा देख रहे हैं, राम प्रताप, जैमिनी अश्वमेघ, ये सारी क्या है, गोपाल मिश्र की रचनाएं हैं, ठीक। बाबू रेवा राम की रचनाओं के बारे में बताएं आप जल्दी कमेंट सेक्शन में कि बाबू रेवा राम की और कौन कौन सी रचनाएं हैं। अगला बोल रहा है, कलचुरियों के ताम्रपत्र के प्रारंभ में क्या अंकित होता था? कलचुरियों का जो ताम्रपत्र है उसके प्रारंभ में क्या अंकित होता था? गजलक्ष्मी, शिवजी की मूर्ति, महामाया मंदिर या ओम नमः शिवाय? क्या अंकित होता था कलचुरियों के ताम्रपत्र के प्रारंभ में? क्या अंकित होता था, ठीक है। लगा लिए अपना आंसर, जल्दी बताएं। गजलक्ष्मी की, शिवजी की मूर्ति की, महामाया मंदिर की, ओम नमः शिवाय?
जल्दी बताएं और गजलक्ष्मी वाले लोग पहले हाथ उठाएं, ठीक है। इसका आंसर है भाई ओम नमः शिवाय, ठीक है। क्या होता था? ओम नमः शिवाय कलचूरियों के ताम्रपत्र के प्रारंभ में अंकित होता था, ना कि गजलक्ष्मी, ठीक है। गजलक्ष्मी वाले लोग थोड़ा सावधान हो जाए भाई, गजलक्ष्मी क्या है तो उनका प्रतीक चिन्ह है, राज चिन्ह है, साथ ही इनके मुद्राओं में अंकित होता था। लेकिन इनके ताम्रपत्रों की शुरुआत किससे होती थी? तो ताम्रपत्रों की शुरुआत ओम नमः शिवाय से होती थी। अगला, पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत वल्लभ राज किस वर्ण के थे? क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे कि शूद्र थे, ठीक है। किस वर्ण के थे वल्लभ राज, जल्दी बताइए, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे कि वैश्य थे कि शूद्र थे? तो ये जो वल्लभ राज थे ये वैश्य वर्ण के थे, ठीक है। कौन से वर्ण के थे? तो ये वैश्य वर्ण के थे। अगला, तुम्मान में शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? जल्दी बताइए, मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि तुम्मान में शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे। कमल राज थे कि रत्नदेव प्रथम थे कि पृथ्वीदेव प्रथम थे कि कलिंग राज थे? तुम्मान में शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? लगा लिया आपने आंसर, ठीक। तो तुम्मान में शासन करने वाले अंतिम शासक कौन थे? तो रत्नदेव प्रथम थे। पृथ्वीदेव प्रथम कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्मान में शासन नहीं किया है। पृथ्वीदेव प्रथम ने डायरेक्ट कहां पर शासन किया? तो उन्होंने रत्नपुर में शासन किया है। रत्नदेव प्रथम ने क्या किया था? तो सबसे पहले रत्नदेव प्रथम ने 1045 में जब वो शासक बनते, तो 1045 में उनके द्वारा क्या की जाती है? रत्नदेवपुर नगर की स्थापना। फिर 1050 में उनके द्वारा क्या किया जाता है? उस रत्नदेवपुर नगर को अपनी राजधानी बनाया जाता है, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, रत्नदेव द्वितीय के संबंध में असत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है उड़ीसा के भंजवंशी शासक हरवाहू को पराजित किया। दूसरा बोल रहा है रत्नदेव द्वितीय 36 विधाओं का ज्ञाता था। तीसरा बोल रहा है बंगाल के गौड़ शासकों को पराजित किया। चौथा बोल रहा है कलिंग शासक जटेश्वर मधुका भार्गव को पराजित किया था। इनमें से कौन सा जो कथन है वह असत्य है रत्नदेव द्वितीय के संबंध में, ठीक है। पढ़ लिया आपने, ठीक। क्या क्या पढ़ा है? उड़ीसा के भंजवंशी शासक हरवाहू को पराजित किया, बिल्कुल सही। हमने अभी देखा था कि उड़ीसा के भंजवंशी शासक किसको? हरवाहू को पराजित करके उसकी राजधानी खिज्जिंग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। बी क्या बोल रहा है? रत्नदेव द्वितीय 36 विधाओं का ज्ञाता था। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि रत्नदेव द्वितीय क्या है? 36 विधाओं के ज्ञाता थे, 36 प्रकार की विद्याएं उनको आती थी, और इसके अलावा वो युद्ध में रुचि रखने वाले शासक थे, ठीक है। क्या थे? तो युद्ध में रुचि रखने वाले शासक थे। इसके अलावा यह भी बताया मैंने कि बंगाल के गौड़ शासकों को पराजित किया था। यह कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। कलिंग शासक जटेश्वर मधुका भार्गव को इन्होंने पराजित नहीं किया था, इनके पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या किया था? कलिंग के शासक जटेश्वर मधुका भार्गव को पराजित किया था। इन्होंने किसे पराजित किया था? रत्नदेव द्वितीय ने पराजित किया था अनंत वर्मन चोड़गंग को, ठीक है। किसको पराजित किया था? अनंत वर्मन चोड़गंग को पराजित किया था शिवरी नारायण के समीप, ठीक है। फिर जो पृथ्वीदेव द्वितीय रहते हैं वो कलिंग पर ही आक्रमण करके जटेश्वर मधुका भार्गव जो अनंत वर्मन चोड़गंग के पुत्र रहते हैं उसको क्या करते हैं? पराजित करते हैं। तो चौथा क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया, और यही क्या है? आपका आंसर है, क्लियर है। अगला, रायपुर के कलचुरी शासकों को किस उपाधि से संबोधित किया जाता था, ठीक। अब रायपुर के कलचुरी आ रहा है, मतलब जो कलचुरी है वो क्या हुए हैं? दो शाखाओं में विभाजित हुए हैं, ठीक। मैंने बताया कि प्रताप मल्ल के उपरांत क्या मिलता है हमको? 200 वर्षों तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती, जिसको हम क्या बोलते हैं? कलचुरी वंश का अंधकार युग बोलते हैं, ठीक। इस अंधकार युग के संबंध में हमको बाबू रेवा राम के पांडुलिपि से क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। अब बाबू रेवा राम की जो पांडुलिपि है उसमें बताया गया है कि इन 200 वर्षों में कलचुरी वंश के कुल 14 शासक ने क्या हुआ था? अंधकार युग के समय शासन किया था, ठीक है। कितने शासकों ने? तो 14 शासकों ने शासन किया था। और इसी समय 13वीं से 15वीं सदी तक का जो समय रहता है, जो अंधकार युग कहलाता है, उसमें 14वीं सदी में क्या हो गया था? कलचुरी वंश का विभाजन हो गया था, ठीक है। कलचुरी वंश का विभाजन हो गया। अब कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर में अलग कलचुरी शासन कर रहे हैं, मतलब शाखा वही रहती है, लेकिन सत्ता क्या हो जाती है? यहां पर विभाजित हो जाती है। एक सत्ता रतनपुर में और एक सत्ता कहां पर? रायपुर में स्थापित हो जाती है, ठीक है। इसमें जो रायपुर है, वो रायपुर के कलचुरी शासक
क्या कर रहे थे, कौन सी उपाधि धारण कर रहे थे, ये आपको पूछा जा रहा है। महाराज कुमार राजा, महाराजाधिराज, महामंडलेश्वर या रायपुर राजपति, ठीक है, किसकी उपाधि इनके द्वारा धारण की जा रही थी। जल्दी बताएं आप अपना आंसर कि रायपुर के कलचुरी शासकों के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की जा रही थी। तो जो रायपुर के कलचुरी शासक थे इनके द्वारा महाराज कुमार राजा की उपाधि धारण की जा रही थी। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की जा रही थी, महाराज कुमार राजा की उपाधि धारण की जा रही थी। अगला 30, कलचुरी शासक, ठीक, किस कलचुरी शासक के सिक्कों पर सिंह एवं कटार की आकृति थी। जल्दी बताएं किस कलचुरी शासक के सिक्कों पर सिंह एवं कटार की आकृति थी। प्रताप मल्ल, रत्नदेव द्वितीय, जाजल देव प्रथम या इनमें से कोई नहीं, किसके सिक्कों पर सिंह एवं कटार की आकृति थी। लगा लिया आंसर आपने, तो इसका आंसर है प्रताप मल्ल। ठीक है, आंसर क्या है, प्रताप मल्ल। ये जो प्रताप मल्ल हैं इसके 12 ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं, 12 ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं, किसके, तो प्रताप मल्ल के। ठीक है, और इन 12 ताम्र सिक्कों में कुछ सिक्के हैं जो क्या है, चक्राकार हैं, और कुछ सिक्के हैं जो षटकोणाकार हैं। ठीक, चक्राकार और षटकोणाकार। ठीक, और इन सिक्कों पर क्या है, सिंह एवं कटार की आकृति बनी हुई है। ठीक है, सिंह एवं कटार की आकृति बनी हुई है। प्रताप मल्ल के बारे में आपको एक चीज और जानना है कि जो प्रताप मल्ल हैं ये सबसे कम उम्र के कलचुरी शासक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सबसे कम उम्र के कलचुरी शासक होते हैं। ठीक है, सबसे कम अवधि के बोलेगा तो जाजलदेव द्वितीय, सबसे कम उम्र का बोले तो प्रताप मल्ल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कलचुरी संवत, त्रैकुटक संवत का प्रयोग करने वाले अंतिम शासक कौन थे। ठीक है, कलचुरी संवत जो, और क्या था कलचुरी संवत, तो त्रैकुटक संवत था, इसका प्रयोग करने वाले अंतिम शासक कौन थे। बारेंद्र साय थे, रत्नदेव द्वितीय थे, रघुनाथ सिंह थे या इनमें से कोई नहीं। त्रैकुटक संवत का प्रयोग करने वाले अंतिम शासक कौन थे, जल्दी बताएं आप, जल्दी अपना आंसर दीजिए। ठीक है, बारेंद्र साय थे कि रत्नदेव द्वितीय थे कि रघुनाथ सिंह थे कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, लगा लिया आपने आंसर, जल्दी लगाएं। ठीक, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। त्रैकुटक संवत का प्रयोग करने वाले अंतिम शासक थे प्रताप मल्ल। ठीक है, कौन थे, प्रताप मल्ल। ठीक, त्रैकुटक संवत का प्रयोग करने वाले अंतिम शासक कौन थे, तो प्रताप मल्ल अंतिम शासक थे। अगला, रायपुर के किस कलचुरी शासक की जानकारी खल्लारी शिलालेख से मिलती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, रायपुर के किस शासक की जानकारी खल्लारी शिलालेख से मिलती है। रायपुर के किस शासक की जो जानकारी है वो हमको खल्लारी शिलालेख से प्राप्त होती है। लक्ष्मी देव की, केशव देव की, रामचंद्र देव की या ब्रह्म देव की, जल्दी बताएं आंसर आप। ठीक है, किसकी जानकारी हमको खल्लारी शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक, तो ये जो ब्रह्म देव है इनकी जानकारी क्या होती है, हमको खल्लारी शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है, कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है, तो खल्लारी शिलालेख से प्राप्त होती है। समझ में आ गया आपको। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, माखन पिंगलाचार्य, माखन पिंगलाचार्य किसके राज दरबार में निवास करते थे। सिंहणदेव, लक्ष्मीदेव, ब्रह्मदेव, अमर सिंह, माखन पिंगलाचार्य किसके राज दरबार में निवास करते थे। सिंहणदेव के राज दरबार में निवास करते थे कि लक्ष्मीदेव के राज दरबार में निवास करते थे या ब्रह्मदेव के या अमर सिंह के, जल्दी से आप अपना आंसर लगाइए। लगा लिया आपने आंसर, तो ये जो माखन पिंगलाचार्य हैं ये रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह के राज दरबार में क्या कर रहे थे, निवास कर रहे थे। अब माखन पिंगलाचार्य कौन थे, तो ये जो माखन मिश्र पिंगलाचार्य थे ये गोपाल मिश्र के पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे, गोपाल मिश्र के पुत्र थे, गोपाल मिश्र के पुत्र थे। कौन, तो माखन पिंगलाचार्य। क्या थे, तो गोपाल मिश्र के पुत्र थे। मराठा शासक बिंबाजी ने किस कलचुरी शासक को जीवन निर्वाह हेतु
बड़गांव के क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम से एक एक रुपए वसूलने का अधिकार दिया था। फिर से पढ़ें क्वेश्चन को आप अच्छे से कि मराठा शासक बिंबाजी ने किस कलचुरी शासक को जीवन निर्वाह हेतु बड़गांव के क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम से कितना वसूलने का, तो एक एक रुपए वसूलने का अधिकार दिया था। शिवराज सिंह को, अमर सिंह को, रघुनाथ सिंह को कि मोहन सिंह को, जल्दी बताएं आंसर। शिवराज सिंह को दिया गया था कि अमर सिंह को दिया गया था कि रघुनाथ सिंह को दिया गया था कि मोहन सिंह को दिया गया था यह अधिकार। तो एक थोड़ा सुनिए आप, हो क्या रहा था, जब मराठों का आक्रमण होता है कहां पर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पहला आक्रमण आपको पता है कि भास्कर पंत के द्वारा किया जाता है। भास्कर पंत आक्रमण करते हैं और जब भास्कर पंत आक्रमण करते हैं तो रतनपुर के अंतर्गत कौन से कलचुरी शासक शासन करते रहते हैं, तो रघुनाथ सिंह शासन करते रहते हैं। इस समय रघुनाथ सिंह के पुत्र की क्या हो जाए रहती है, मृत्यु हो जाए रहती है, इसलिए शोकाग्रस्त अवस्था में वो क्या कर देते हैं, सीधे आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है, आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिससे पहली बार जो कलचुरी वंश है वो किसके अधीन आ जाता है, तो मराठों के अधीन आ जाता है। लेकिन कटक के युद्ध में क्या होता है, जो भास्कर पंत रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत जो रघुनाथ सिंह जो रहते हैं वो क्या करते हैं, फिर से अपने आप को स्वतंत्र कराते हैं और 1741-45 तक पुनः सफलतापूर्वक शासन वो कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक। फिर क्या होता है, मराठों का पुनः आक्रमण होता है 1750 के समय में, कहां पर, तो रायपुर में। रायपुर में उस समय शासन करते रहते हैं कौन, तो अमर सिंह। अमर सिंह जब शासन करते रहते हैं रायपुर में, तो उनके समय आक्रमण हुआ, अमर सिंह भी क्या करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, ठीक है। अमर सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं तो अमर सिंह को क्या कर दिया जाता है, कुछ क्षेत्र दे दिए जाते हैं, किसके द्वारा, तो मराठा शासक के द्वारा कुछ क्षेत्र दे दिए जाते हैं जीवन निर्वाह के लिए। इसके बाद जिसमें से आपका पाटन वाला क्षेत्र है ना, राजीव वाला क्षेत्र, ये सब क्या रहते हैं, मराठा शासकों के द्वारा किसको दे दिया जाता है, रायपुर पाटन वाला क्षेत्र, तो अमर सिंह को दे दिया जाता है। बदले में 7,000 रुपए वार्षिक टकोली उनसे ली जाती है। परंतु जब अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो अमर सिंह की मृत्यु के समय उनके पुत्र रहते हैं शिवराज सिंह। कौन रहते हैं, तो ये शिवराज सिंह क्या रहते हैं, उनके पुत्र रहते हैं। शिवराज सिंह अमर सिंह की मृत्यु के समय राज्य में उपस्थित नहीं रहते, वो तीर्थ यात्रा पर गए रहते हैं। तो जब वो तीर्थ यात्रा पर गए रहते हैं, तो ये जो बालोद, रायपुर और पाटन वाला परगना रहता है, इस पर भी मराठा क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। फिर जब कौन, तो शिवराज सिंह पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, तो अपने साम्राज्य में जब वो पहुंचते हैं, तो शिवराज सिंह के जब ये आते हैं, तो ये क्या करते हैं, माफी मांगते हैं कि भैया मेरे को भी क्या दीजिए, जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो दे दीजिए। तो बिंबाजी भोसले के द्वारा क्या किया जाता है, इन शिवराज सिंह को क्या कराया जाता है, बड़गांव क्षेत्र जो वर्तमान में महासमुंद जिले के अंतर्गत आ रहा है, वहां के प्रत्येक ग्राम से एक एक रुपए कर वसूलने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिवराज सिंह इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला बोल रहा है, द्वापर युग में किस शहर का नाम कंचनपुर था, रतनपुर का, डोंगरगढ़ का, सिरपुर का या रायपुर का, ठीक है। द्वापर युग के अंतर्गत किस शहर का नाम कंचनपुर था, ये आपको पूछा जा रहा है, रतनपुर का, डोंगरगढ़ का, सिरपुर का या रायपुर का, जल्दी बताइए। लगा लिया आंसर आपने, रतनपुर, डोंगरगढ़, सिरपुर की रायपुर। तो देखिए, कलचुरियों के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण राजधानी, एक आपका रतनपुर और दूसरा है आपका क्या, रायपुर, ठीक है। जो सतयुग है, इस सतयुग के अंतर्गत आपको पता है रतनपुर को हम क्या बोल रहे थे, तो मणिपुर बोल रहे थे, ठीक है। सतयुग के अंतर्गत रतनपुर को हम क्या बोल रहे थे, तो रतनपुर को हम मणिपुर बोल रहे थे, समझ में आ गया। और इसी समय मतलब सतयुग में जो रायपुर है, इसको कलकपुर कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, कलकपुर कहा जाता था। त्रेता युग में, ठीक है, कब, त्रेता युग में ये जो रतनपुर है, इसे हम क्या बोल रहे थे, माणिकपुर बोल रहे थे। और त्रेता युग के समय ही इस रायपुर को हम लोग क्या बोलते थे, तो हाटकपुर बोलते थे। रायपुर को क्या बोलते थे, हाटकपुर बोलते थे, ठीक। फिर द्वापर युग में
आपको पता है कि रतनपुर को हम क्या बोल रहे थे, तो रतनपुर को द्वापर युग में हम हीरापुर बोल रहे थे। ठीक है, क्या बोल रहे थे, हीरापुर बोल रहे थे। और ये जो रायपुर है इसको कंचनपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कंचनपुर कहा जाता था। तो द्वापर युग में किस शहर को कंचनपुर कहा जाता था, तो रायपुर शहर को कंचनपुर कहा जाता था। क्लियर है, समझ में आ गया। फिर कलयुग का तो आपको पता ही है, ठीक है, कलयुग केवल नाम आधारा। ठीक, फिर बोल रहे हैं आपको, किस कलचुरी शासक ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, जाजल्यदेव प्रथम ने, पृथ्वीदेव द्वितीय ने, प्रताप मल्लक ने, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए आप अपना आंसर। ठीक, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपको, किस कलचुरी शासक ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था, जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, प्रताप मल्ल, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर है बहरेन्द्र साय। ठीक है, क्या है आपका, बहरेन्द्र साय इसका आंसर है। बहरेन्द्र साय ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था। तो सबसे कम अवधि तक शासन करने वाले शासक कौन है, जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में आप, कि सबसे कम अवधि तक शासन करने वाले शासक कौन है। अगला बोल रहा है, पंचकुल के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसे था, पंचकुल के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसे था, मुख्य न्यायाधीश, युवराज, महापुरोहित और राजा। तो जो पंचकुल, पंचकुल कलचुरियों के अंतर्गत क्या, तो एक स्थानीय निकाय, ठीक है, स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासन, जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का एकमात्र अधिकार राजा को था। ठीक है, किसको था, तो राजा को था। ठीक है, पंचकुल के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसे, तो राजा को। ठीक, अब पंचकुल क्या था, तो मैंने बताया आपको कि पंचकुल एक स्थानीय निकाय था कलचुरी शासन के अंतर्गत, जो ठीक है, जो कि क्या कर रहा था, तो जिसका कार्य आप क्या बताएंगे, तो इस कलचुरी वंश के अंतर्गत इसका कार्य स्थानीय समस्या का समाधान करना। ठीक है, क्या था कार्य इसका, तो स्थानीय समस्या का समाधान करना। दूसरा आप क्या बताएंगे, तो न्याय करना। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर क्या करना, न्याय करना। और तीसरा जमीन कर वसूलना। ठीक है, ये क्या थे, इसके कार्य थे। इसके सदस्यों की बात करें, तो इसके जो सदस्य थे वो सामान्यतः 5 सदस्य होते थे, लेकिन इस पंचकुल में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते थे। ठीक है, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते थे, तो अधिकतम इसमें 10 सदस्य हो सकते थे। साथ ही पंचकुल के इन सदस्यों का चुनाव गांव की जनता के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था, तो गांव की जनता के द्वारा किया जाता था। ठीक, पंचकुल जो था इसका प्रमुख महत्तम कहलाता था। पंचकुल का प्रमुख क्या कहलाता था, तो महत्तम कहलाता था। साथ ही पंचकुल के अंतर्गत जो सदस्य होते थे वो मेहत्तर कहलाते थे। क्या कहलाते थे, मेहत्तर कहलाते थे। साथ ही इस पंचकुल में 6 अधिकारी होते थे। ठीक है, कितने अधिकारी होते थे, 6 अधिकारी होते थे, जो राज्य शासन के द्वारा क्या होते थे, नियुक्त होते थे। पहला था आपका क्या, मुख्य पुलिस अधिकारी, दूसरा तहसीलदार, तीसरा लेखक या करणिक, चौथा शुल्कग्राही या सोल्किक, पांचवा प्रतिहारी और छठवा था पटेल। ठीक है, ये क्या थे, 6 मुख्य अधिकारी थे पंचकुल के अंतर्गत। समझ में आ गया आपको, तो पंचकुल के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसको, तो राजा को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंचकुल के 6 अधिकारियों में कौन शामिल नहीं था, तो पंचकुल के 6 अधिकारियों में पटेल, महत्तम, तहसीलदार की सोल्किक, कौन शामिल नहीं था, जल्दी आंसर दीजिए। पटेल शामिल नहीं था, कि महत्तम शामिल नहीं था, कि तहसीलदार शामिल नहीं था, कि सोल्किक शामिल नहीं था। इसमें से मैंने जस्ट अभी बताया कि जो पंचकुल है उसके 6 अधिकारियों में पटेल, तहसीलदार, सोल्किक, मुख्य पुलिस अधिकारी है ना, इसके अलावा लेखक एवं करणिक और प्रतिहारी शामिल होते थे। ये जो महत्तम था ये क्या होता था, पंचकुल का प्रमुख होता था। ठीक है, पंचकुल जो जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं उसमें पंचकुल के प्रमुख को क्या कह रहे थे हम, तो महत्तम कह रहे थे। अगला, अमात्य मंडल में कौन सा पद जमाबंदी मंत्री का था। ठीक है, जो अमात्य मंडल मतलब जो मंत्रिमंडल था इसके अंतर्गत कलचुरियों में 8 मंत्री होते थे। ठीक है, कितने मंत्री होते थे, 8 मंत्री होते थे और बाकी सब क्या होते थे, तो संतरी होते थे। ठीक है, 8 मंत्री थे, तो इस 8 मंत्री में
कौन सा जो पद था वो जमाबदी मंत्री का था, महाछप्तलिक, महाप्रमात्री, महासंधि विग्रहक और महामंत्री। तो ये जो अमात्य मंडल था इसके अंतर्गत महाछप्तलिक क्या था, तो ये महाछप्तलिक जमाबंदी मंत्री था। ठीक है, महाछप्तलिक क्या था, तो महाछप्तलिक जमाबंदी मंत्री होता था। ठीक है, अब अमात्य मंडल के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन शामिल होते थे, तो अमात्य मंडल के अंतर्गत एक आपको ध्यान में रखना है क्या, युवराज। ठीक है, क्या युवराज, युवराज जो होता था, ये युवराज सिंह भारतीय क्रिकेटर नहीं, ठीक है, उस समय पद जो राज्य का अगला उत्तराधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, तो राज्य का अगला उत्तराधिकारी, राज्य का अगला उत्तराधिकारी क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था युवराज। ठीक है, युवराज के उपरांत जो अगला पद होता था वह होता था महामंत्री का। ठीक है, युवराज के उपरांत अगला पद किसका, तो महामंत्री का। ये जो महामंत्री होता था ये कार्यवाहक राजा होता था, महामंत्री क्या होता था, कार्यवाहक राजा। साथ ही ये महामंत्री कार्यवाहक राजा होने के उपरांत राजा का प्रशासनिक सलाहकार भी होता था। ठीक है, क्या होता था, राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। ठीक, इसके अलावा अगला होता था महामात्य, महामात्य। ठीक है, क्या होता था, अगला महामात्य। और ये जो महामात्य होता था ये सचिवालय प्रमुख होता था, महामात्य क्या होता था, सचिवालय प्रमुख। ठीक, इसके अलावा महासंधि विग्रहक, महासंधि विग्रहक। ठीक, ये जो महासंधि विग्रहक है ये क्या होता था, तो ये विदेश मंत्री होता था। ठीक है, महासंधि विग्रहक क्या होता था, विदेश मंत्री होता था। इसके अलावा महाप्रतिहारी, 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 महाप्रतिहारी दो कार्य करता था। पहला, ये राजा का क्या होता था, अंगरक्षक होता था, और साथ ही ये राजा के अंगरक्षक होने के साथ साथ संचार विभाग का भी क्या होता था, प्रमुख होता था। ठीक है, संचार विभाग का भी क्या होता था, प्रमुख होता था। ठीक, इसके अलावा एक है महापुरोहित, महापुरोहित। ठीक है, अगला क्या होता था, महापुरोहित। ये जो महापुरोहित होता था ये धर्म विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, कौन सा प्रमुख होता था, तो धर्म विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, कौन, तो महापुरोहित। महापुरोहित क्या, तो धर्म विभाग का प्रमुख। ठीक है, फिर क्या आपका महाछप्तलिक, महाछप्तलिक जमाबंदी मंत्री या राजस्व मंत्री हो गया, और एक होता था महाप्रमात्री, महाप्रमात्री। ठीक, और ये जो महाप्रमात्री है इसको राजस्व प्रबंधक कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, राजस्व प्रबंधक कहा जाता था। क्लियर है, तो ये अमात्य मंडल और अमात्य मंडल के आठ मंत्री हो गए। समझ में आ गया आपको, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला बोल रहा है, कलचुरी काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, कलचुरी काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी। ठीक, जल्दी बताएं, कलचुरी काल के अंतर्गत जो प्रशासन है उसकी सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी। ठीक, मंडल था कि राष्ट्र था कि देश था कि विषय था, तो हमको पता है कि हम देखे थे प्रांत, प्रांत के अंतर्गत कौन होता था, ठीक है, पूरा प्रांत, और प्रांत का मुखिया आपका राजा। ठीक है, प्रांत का मुखिया क्या होता था, तो प्रांत का मुखिया आपका राजा होता था। प्रांत के अंतर्गत मंडल, मंडल में 100,000 गांव, और इसका प्रमुख मंडलाधिपति, मंडल के बाद फिर गढ़, गढ़ में 84 ग्राम, 84 ग्राम, और गढ़ का जो प्रमुख है गढ़ाधिपति, फिर बारहो, बारहो के अंतर्गत 12 ग्राम, और इसका प्रमुख कौन, तो दाऊ, और बारहो के बाद फिर क्या, तो ग्राम, ग्राम के अंतर्गत 1 गांव, और इसका प्रमुख क्या होता था, तो इसका प्रमुख गौटिया कहलाता था। ठीक है, तो प्रशासन में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो मंडल जो थी वो क्या थी, कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत सबसे बड़ी इकाई थी। अगला बोल रहा है, कलचुरी सेनापति जगतपाल देव
किस कलचुरी शासक के सेनापति नहीं थे, किस कलचुरी शासक के सेनापति नहीं थे, जाजल्यदेव द्वितीय के, जाजल्यदेव प्रथम के, रत्नदेव द्वितीय के और पृथ्वीदेव द्वितीय के। तो जो कलचुरी सेनापति कौन, जगतपाल जो देव है, ये कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम से क्या करते हैं, अपने सैन्य काल की शुरुआत करते हैं, ठीक, जाजल्यदेव प्रथम, इसके उपरांत रत्नदेव द्वितीय और फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, इन तीन राजाओं के क्या रहते हैं, ये सेनापति रहते हैं। कौन, तो कलचुरी सेनापति जगपाल देव, राजालदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय के क्या रहते हैं, सेनापति रहते हैं। हमको क्या पूछा जा रहा है, किस शासक के सेनापति नहीं थे, तो ये जाजल्यदेव द्वितीय के सेनापति नहीं थे। ठीक है, किसके सेनापति नहीं थे, जाजल्यदेव द्वितीय के सेनापति नहीं थे। अगला, कलचुरियों की कुल देवी, आपके लिए गिफ्ट, कलचुरियों की जो कुल देवी है ये क्या होती है, तो गजलक्ष्मी कलचुरियों की कुल देवी होती थी। समझ में आ गया। अगला, बाबू रेवा राम की पांडुलिपि में किस कलचुरी शासक का उल्लेख है, बहरेंद्र साय का उल्लेख है, राज सिंह का उल्लेख है, कल्याण साय का उल्लेख है कि कलिंग राज का उल्लेख है। जल्दी बताएं अपना आंसर आप, कि बाबू रेवा राम की पांडुलिपि में किस कलचुरी शासक का उल्लेख है, बहरेंद्र साय का, राज सिंह का, कल्याण साय का कि कलिंग राज का। तो जो बाबू रेवा राम है इनकी पांडुलिपि में कल्याण साय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है, कल्याण साय का उल्लेख मिलता है। किस बारे में उल्लेख मिलता है, तो कल्याण साय का मुगल दरबार में जाने के संबंध में उल्लेख मिलता है। बाबू रेवा राम जो है उनके पांडुलिपि के अनुसार जो कल्याण साय है उनका मुगल दरबार में जाना अकबर के समय बताया गया। ठीक है, कब बताया गया है, तो अकबर के समय बताया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रचलित देवार गीत मतलब गोपल्ला गीत जो है, इसके अलावा जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, उसमें भी क्या कहा गया है, तो कल्याण साय का मुगल दरबार में जाना जहांगीर के समय बताया गया है। ठीक, क्लियर है यहां तक, तो क्या हो गया आंसर इसका, कल्याण साय। अगला, जीवन के अंतिम समय में किस कलचुरी शासक ने मकर ध्वज नामक योगी के प्रभाव में राजपाठ छोड़ दिया था, मकर ध्वज नामक योगी के प्रभाव में राजपाठ छोड़ दिया था, केशवदेव ने, जाजल्यदेव प्रथम ने, रत्नदेव द्वितीय ने कि पृथ्वीदेव प्रथम ने। ठीक है, जल्दी दीजिए अपना आंसर, केशवदेव ने कि जाजल्यदेव प्रथम ने कि रत्नदेव द्वितीय ने कि पृथ्वीदेव प्रथम ने, किसने मकर ध्वज नामक योगी के प्रभाव में आकर राजपाठ छोड़ दिया था, तो इसका आंसर है जाजल्यदेव प्रथम ने मकर ध्वज नामक योगी के प्रभाव में आकर क्या कर दिया था, अपना राजपाठ छोड़ दिया था और कहां चले गए थे, वनों में चले गए थे। अगला है, त्रिपुरी शासक जय सिंह के छत्तीसगढ़ आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, इसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था कि कलचुरी जो शासक हैं ये जय सिंह, इसके छत्तीसगढ़ आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है, शिवरी नारायण से, मल्हार ताम्रपत्र से, अमोदा से कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी दीजिए अपना आंसर, लगा लिया आंसर आपने, जल्दी बताया, लगा लिया आंसर कि त्रिपुरी शासक जय सिंह ने छत्तीसगढ़ आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो मैंने भी बताया था कि मल्हार ताम्रपत्र से क्या मिलती है हमको, तो त्रिपुरी शासक जय सिंह के छत्तीसगढ़ पर आक्रमण की जानकारी हमको प्राप्त होती है। समझ में आ गया, क्या जानकारी मिलती है, तो इससे जो जय सिंह के समय शासक कौन थे, यहाँ पे जाजल्यदेव द्वितीय, उनके सेनापति अल्हण देव की मृत्यु और उनके मृत्यु उपरांत उनके तीन रानी क्या हो जाते हैं, तो अल्हण देव के साथ सती हो जाते हैं, और सती होने के उपरांत जो इनके पुत्र रहते हैं आमर देव, उनका देखरेख, उनका पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो उनका देखरेख, उनका पालन पोषण जाजल्यदेव द्वितीय के द्वारा किया जाता है। अब कितने दिन किया जाता है, तो एक दो साल किया गया होगा, ठीक है, क्योंकि तीन साल तक का तो उनका क्या था, शासन था, और तीन साल के शासन के उपरांत उनकी मृत्यु खुद हो जाती है अचानक। ठीक है, क्लियर है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रत्नदेव तृतीय की माता का नाम क्या था, तो जो रत्नदेव तृतीय थी इनकी माता का नाम क्या था, राजल्ला देवी था, नोनल्ला देवी था, लाछल्ला देवी था कि सोमल्ला देवी था, तो रत्नदेव तृतीय की माता का नाम सोमल्ला देवी था। ठीक है, क्या था, सोमल्ला देवी रत्नदेव तृतीय की माता का नाम था। समझ में आ गया। ठीक,
सोमल्ला देवी और राजा जगत देव के पुत्र कौन थे? तो रत्नदेव तृतीय इनके पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, अमोदा ताम्रपत्र में पृथ्वीदेव प्रथम की किस उपाधि का उल्लेख है? अमोदा ताम्रपत्र में पृथ्वीदेव प्रथम की किस उपाधि का उल्लेख है? पंचमहाशब्द, महाराजाधिराज, सकल कोशलाधिपति, मंडलाधिपति। जल्दी बताएं कि अमोदा ताम्रपत्र में पृथ्वीदेव प्रथम की किस उपाधि का उल्लेख है? पंचमहाशब्द, महाराजाधिराज, सकल कोशलाधिपति, मंडलाधिपति। तो अमोदा ताम्रपत्र में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीदेव प्रथम की पंच महाशब्द एवं समाधि गतशेष नामक उपाधि का उल्लेख मिलता है। बाकी सकल कोशलाधिपति तो दक्षिण कोशल के 21,000 ग्रामों पर विजय प्राप्त कर, और दूसरा जो मंडलाधिपति आपको दिख रहा है, मंडलाधिपति इनको त्रिपुरी से क्या हुई थी? उपाधि प्राप्त हुई थी। और महाराजाधिराज इनकी उपाधि नहीं है, महाराजाधिराज जाजल्य देव प्रथम की उपाधि है। ठीक है, किसकी उपाधि है? जाजल्य देव प्रथम की उपाधि है। क्या? महाराजा धीराज। समझ में आ गया? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, कलचुरी शासक किस धर्म के उपासक थे? इसमें तो आपको ऑप्शन भी नहीं देखना पड़ेगा, एक बार में आप लगाएंगे। क्या है इसका आंसर? तो शैव धर्म। कलचुरी शासक किस धर्म के उपासक? तो शैव धर्म के उपासक थे। अगला, किस कलचुरी शासक ने रायपुर को अपनी राजधानी बनाई थी? किस कलचुरी शासक ने रायपुर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो आपको पता है कि रामचंद्र देव ने क्या किया था? रायपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, रायपुर शहर की स्थापना रामचंद्र देव ने क्या किया? रायपुर शहर की स्थापना। और स्थापना किसके नाम पर? तो अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर क्या किया था इन्होंने? तो ये रायपुर शहर की स्थापना। फिर ये जो ब्रह्मदेव है, इन्होंने क्या किया था? रायपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, क्या किया था? रायपुर को अपनी राजधानी बनाया था। रायपुर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। समझ में आ गया? ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप सो मैं कलचुरी वंश को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा पाया हूंगा। कलचुरी वंश एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। कुछ चीजें छूटी हो मेरे से तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे उसका आंसर मांग सकते हैं। ठीक है, लाइव सेक्शन में मत पूछिएगा, लाइव सेक्शन को मैं देख नहीं पाता हूं। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चनों को डाल दें, तो मैं जब भी वो कमेंट देखूंगा तो मैं आपके आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। साथ ही इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो मराठा शासन के ऊपर होगा, जिसमें हम मराठा शासन के विषय में क्या करेंगे, एक विस्तृत व्याख्या करेंगे। इसी के साथ ही आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपको हमारा ये मेहनत, हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्या करें, इसके संबंध में कमेंट करें, अपने सुझाव दें, और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।